हेलो एवरीवन वेलकम टू यूपी मंत्रा मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चे तो कैसे हैं आप सारे लोग उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए अपने अपने इस इस सेशन सेशन में उसके बाद बेहतरीन से की हम शुरुआत करते हैं तो जैसे कि आपको पता है हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फटाफट से एक बार सेशन में आ जाइए जुड़ते जाइए उसके बाद करते हैं अपने क्लास की शुरुआत तो ये तो आपको पता ही है मेरे बारे में कुछ जानकारियां हैं तो हमने कहा कि आज की क्लास का टॉपिक जो होगा वो क्या होगा बच्चे तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दीजिए बुला लीजिए अपने सारे दोस्तों को सबसे पहले जितने लोग भी आ चुके हैं और जो लोग क्लास से जुड़ते जाएंगे उनको क्या करना है तो उनको एक काम ये करना है कि हमारे अनअकेडमी लर्निंग एप को जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आप लॉग इन कीजिएगा और उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जैसे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा और कई तरीके से क्यूजेस अटेंड किए जाएंगे मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए अटेंड किया जाएगा बच्चे ठीक है ना तो और देखिए अगर आप अन अकेडमी से कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए क्योंकि अन अकेडमी अब करने जा रहे हैं अपने प्राइस को हाइक मतलब इंक्रीज तो जल्दी से मौका रहते ही मेरा रेफरल कोड ए डी के टेन क्या मौका रहते ही मेरा 10 को अप्लाई करके 10 का डिस्काउंट मिल सकता है ये जो न्यू कैटेगरी आपके लिए लॉन्च किया है ने. कॉम्बो ऑफर की बात करें बच्चे तो कॉम्बो ऑफर जो है कॉम्बो ऑफर की बात करें तो कॉम्बो ऑफर आपको यह दिखाई दे रहा है लेकिन वही मेरा रेफरल कोड 10 को अप्लाई करते हैं तो आपको इस पी के ऊपर मिल जाएगा टेन परसेंट तक का डिस्काउंट है ठीक है दोस्त सकते हैं से। इसके साथ ही साथ यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल यूपीसी लेख लेखपाल और वीडियो के भी, टेस्ट कर ने, तो आप इसको भी देखना नहीं भूलेंगे इसके साथ साथ देखिए बच्चे बैच कोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे बैच कोर्सेज हैं जो कि कुछ प्राइसेज में आपको दिखाई देंगे जैसे कि प्रारंभ बैच है हमारा हमारा रीजनिंग और मैथ्स का रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो कोर्स है मेरा और बॉबी सर का लेकिन इस पर भी मेरा रेफरल कोड 10 को अप्लाई करने पर मिल जाएगा 10 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके लेखपाल उसके रिकॉर्डेड भी अवेलेब, अवेलेबल है यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी अवेलेबल है बिल्कुल इतनी सी फी में लेकिन इस पर भी आप ले सकते हैं टेन परसेंट तक का डिस्काउंट एडी टेन अप्लाई करके देखिएगा एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपकी जो प्राइसेस की बात करें हम अकेडमी में तो ये प्राइसेस है पहले लेकिन मेरा कोड लगाते ही आपको जो प्राइस मिलेगी आपके सामने इस प्राइस में भी आ जानी है ठीक है बच्चे एक और और न्यूज है हमारे पास कि अगर आप बीपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो वे ले सकते हैं आप हमारा कॉम्बो कोर्स ठीक है तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइड जिसको आप देख करके समझ करके और सब्सक्रिप्शन की तरफ प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जरूर जाने की कोशिश करेंगे तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है इसका आंसर जल्दी से करके बताएंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन चलिए बताइए जल्दी से सामने ये रहा बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है क्वेश्चन ने कहा कि कागज का संबंध यदि स्टेपलर से है कागज का संबंध यदि साथ ही स्टेपलर से है तो बताओ कपड़े का संबंध किससे होगा कागज का संबंध यदि स्टेपलर से है तो बताओ कपड़े का संबंध किससे होगा पता है जब मैं छोटा था तो स्टेपलर ना मैं इस उंगली में मार लिया था अपने मैं उसके अंदर मैं देखा करता था तो इसको दबाते हैं तो मैं भी उसको अपने इस हाथ को उंगली को दबा करके अंदर गोसेट करके हमने देखा कि क्या है तो भाई साहब बस ये दो छेद हुए और उसमें से खूब खून निकला चलो तो जल्दी से बताओ बच्चे चैप्टर वाइज होगा बच्चे एम टू मोटिवेशन तो देखो कागज को जब ढेर सारे कागज हो कागज हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा करके सही से रखने के लिए हम स्टेपलर का यूज करते हैं तो भाई जब कपड़े को एक जगह एक बढ़िया से रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे तो कंपनी के लिए हम हैंगर का यूज करते हैं तो आपके सामने है रहा जल्दी से बताएंगे कि इस मिसिंग नंबर में इस जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे चलिए चैप्टर वाइज ठीक है बच्चे नमस्ते नमस्ते सनी तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोगों को बुला लीजिए अपने दोस्तों को जो भी पढ़ना चाहते हैं हमारे से चलिए जल्दी से बताएंगे कि 40, 12, 30, 22 क्या ऐसा रिलेशन है इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपने सॉल्व करना है और कोशिश करनी है बताने की जल्दी से बताइएगा कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ऐसा क्या रिलेशन लगाया गया है बहुत ही छोटा सा लॉजिक है लॉजिक ये है कि अगर हम 40 में 12 को जोड़ देंगे अगर हम 40 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तो बावन आ जाएगा बावन लेकिन बावन में तीस को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बाईस आएगा ऐसे ही देखो चौंतीस में अगर सोलह को प्लस करोगे तो चौंतीस में अगर सोलह को प्लस करोगे तो बताओ कितना आएगा पचास और पचास में चालीस को माइनस कर दो तो दस आ जाएगा तो सिमिलरली अट्ठाइस प्लस बीस करोगे तो कितना आएगा अट्ठावन आएगा और अट्ठावन में से जब चौदह को माइनस कर दोगे अट्ठावन में से जब चौदह को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे पंद्रह नहीं अट्ठावन आएगा क्या अट्ठावन अड़तालीस सॉरी कितना आएगा तो यहां पर 28 प्लस बीस करोगे तो 48 आएगा और 48 में से 13 को माइनस कर दोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 48 में से 43 को माइनस करने पर कितना आएगा तो पांच आएगा ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया गुड इवनिंग गुड इवनिंग चुन्नी चलो बच्चे चलिए हैंगर किसको कहते हैं अरे वो नहीं दीवालों में लगाया जाता है जिसके अंदर हम कपड़े को टांगते हैं और एक दूसरा हैंगर होता है जहां पर हेलीकॉप्टर को भी हम जहां पे रखते हैं शायद उसको भी हैंगर ही कहते हैं चलिए नमस्ते नमन नमस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा जल्दी से बताएंगे यदि किसी कूट भाषा में करण को पैंतालीस लिखा जाता है के ए आर ए एन करण को क्या लिखा जाता है दोस्तों पैतालीस लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अरुण को क्या लिखा जाएगा तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है अरुण को क्या लिखा जाएगा जल्दी से बताइएगा एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए अगर कर सकते हैं अपने दोस्तों को और बुला सकते हैं तो बुला लीजिए चलिए जल्दी से बच्चे हाँ बोलिए आकर्ष क्या बोलना चाहते हैं चलिए देखिएगा करण की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पोजिशंस को अगर हम देखें के ए आर ए एन करण के ए आर ए एन अगर इसके हम पोजिशंस की बात करें तो के ग्यारह पर होता है ए एक पर होता है ये अट्ठारह पर ये एक पर और ये किस पर चौदह पर जोड़ के देखिएगा तो ग्यारह और एक बारह हो गया बारह और अठारह कितना हो जाता है तीस तीस और एक इकतीस इकतीस और दस इकतालीस और चार कितना पैतालीस मतलब इन सारे लेटर्स का सम दे दिया और सारे लेटर्स का सम कितना हो गया पैतालीस तो सिमिलरली अरुण की अगर बात किया तो एक प्लस में कितना अट्ठारह प्लस में कितना इक्कीस और प्लस में कितना मेरे लाडलो तो चौदह बस आप जोड़ दीजिए यही हमारा आंसर होगा तो बताइएगा 21 और 14 कितना हो जाएगा तो 21 और 10 31 और 4 35 35 और 18 कितना हो जाएगा तो 35 और 15 35 और 15 50 और 3 कितना तिरपन और एक चौवन फिफ्टी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए बहुत शानदार गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्नेहा तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिफ्टी आगे बढ़ो नेक्स्ट बताना बी आई एल आर का रिलेशन ई एफ डबल ओ से है बी आई एल आर का रिलेशन ई एफ डबल ओ से है तो सी जे पी टी का रिलेशन किससे होगा तो आपको बताना है आपको बताना है सी जे पी टी का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताइए चैनल पर लाइव आते थे पता नहीं आपने उसमें क्यू क्लास लेना बंद कर दिया बच्चे आप देखो जिसकी खाओगे उसकी तो गाना पड़ेगा ना हाँ देखो बताओ वो हमारा खुद का चैनल था और अब हम जिसकी नौकरी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा उन्हीं के चैनल पे तो पढ़ाना पड़ेगा ना तो इसलिए यहाँ पर पढ़ाना पड़ रहा है वरना वहीं पे पढ़ाता तो ये रीजन है कोई बात नहीं आएंगे कभी ना कभी तो आएंगे ही चलिए बताइए बी आई एल आर को ई एफ डबल ओ से कोड किया गया है किस तरीके से कोड किया गया है बच्चे तो देखिए ये बी दूसरे नंबर पर होता है आई नौवें नंबर पर होता है ये बारहवें नंबर पर होता है और इसकी पोजिशन अट्ठारह होती है यहाँ देखो ये पाँचवें नंबर पर हो गया ये छठे नंबर पर हो गया ये पंद्रहवें नंबर पर हो गया और ये भी पंद्रहवें नंबर पर हो गया सोचो तो दो को अगर पांच बनाना है तो प्लस में कितना किया गया होगा तीन नौ को छह बनाने के लिए प्लस में कितना माइनस कितना किया गया होगा तीन बारह को पंद्रह बनाने के लिए प्लस में कितना तीन और अट्ठारह को पंद्रह बनाने के लिए माइनस में कितना तीन तो प्लस तीन माइनस तीन प्लस तीन माइनस तीन तो बच्चे सेम वही लॉजिक यहां भी लगाना सबसे पहले वाले में आपको प्लस का तीन करना है तो ये तीन प्लस तीन कितना छे और छ पर क्या आता है तो एफ आता है देखो किस ऑप्शन में एफ है तो एक ही ऑप्शन ऐसा है आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बताइएगा आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में मतलब मिसिंग नंबर कह सकते हो आपको बताना है कि आठ चार दो बारह तेरह में जैसा रिलेशन है ऐसे ही रिलेशन आप इसमें किस कौन से वाले में लगाएंगे सेम ऐसे ही रिलेशन आप इसमें कौन से वाले में लगाएंगे जल्दी से बताइए ठीक है बच्चे नमन ठीक है चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि आप किस तरीके से करेंगे लगाइए दिमाग थोड़ा सा कि आठ चार बारह दो तेरह ऐसा क्या किया गया है इसमें ऐसा क्या किया गया है इसमें जिसका आंसर आप निकाल पाओगे तो देखो सर जब गौर से देखोगे गौर से देखने का मतलब यह है कि जब आप इस बाहर वाले नंबर्स को देखोगे ना जब आप इस बाहर वाले नंबर्स को देखोगे तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा पूछो क्या ख्याल आ रहा है तो आपने क्या किया आठ में चार को जोड़ दिया आठ में चार को जोड़ा तो कितना हुआ बारह हुआ बारह में दो को जोड़ दिया तो कितना हो गया चौदह हुआ और चौदह में बारह को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा और इसका ना आधा कर दो छब्बीस का आधा कर दो तो ये बीच वाला टर्म कितना आ गया? तेरा आ गया बावन अगर हम लोग बावन का आधा करने लगे तो हमें इस बीच वाले नंबर को मिल जाएगा कितना छब्बीस तो सेम यही कॉन्सेप्ट भी लगाओ बाईस और दो कितना चौबीस चौबीस और चौदह कितना तो अड़तीस अब बताओ बच्चे बाईस का डबल करोगे तो चौवालीस आएगा ना तो अड़तीस में क्या जोड़ोगे तो अड़तीस में अपन लोग अड़तीस में अपन लोग क्या जोड़े जिससे वो चौवालीस बन जाए क्यों क्योंकि सर चौवालीस का आधा ही तो बाईस होता है तो देखो बाईस और दो कितना हुआ चौबीस चौबीस और दस चौंतीस और चार कितना अड़तीस तो यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा सिक्स रखना पड़ेगा तभी जाकर के ये चौवालिस बनेगा और चौवालीस का आधा हमें क्या मिल जाएगा बाईस मिल जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समझ में आ गई बात या नहीं जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोग आंसर भी दीजिए है ना जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को चाहे बीस लोग ही सही अगर आप क्लास को देख रहे हैं और आपको चीजें लग रही हैं सही तो एक बार आप आंसर भी देने की कृपा प्रदान कीजिए चलिए जी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फोर सिक्स फोर्टी में जैसा रिलेशन है तो इसी तरीके से ये आगे वाले टर्म में क्या होएगा चार सोलह चालीस के बाद अगले टर्म में आपको बताना है कौन सी वैल्यू आएगी फटाफट पड़ से बताएं ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर देखो चार से अगर हम सोलह की बात करेंगे तो चार प्लस बारह करोगे तो कितना होगा चार प्लस बारह करोगे तो कितना होगा सोलह होगा सोलह होगा अब बताओ सोलह को अगर चालीस बनाना है सोलह को क्या बनाना है चालीस बनाना है तो बताओ इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा सोलह को अगर चालीस बनाना है तो बताओ बच्चे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा तो सर सोलह को चालीस बनाने के लिए चौबीस जोड़ दो अब आपको दिख रहा है सर बारह का दो गुना कितना होता है चौबीस तो इधर भी चौबीस का दो गुना कितना हो जाएगा चौबीस का दो गुना कितना हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा और चालीस और अड़तालीस कितना हो जाता है तो अट्ठासी चालीस और अड़तालीस कितना हो जाता है तो अट्ठासी ऑप्शन नंबर डी अट्ठासी हो जाता है बच्चे ऑप्शन नंबर डी इज राइट बहुत बढ़िया ठीक है तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि चार को सोलह बनाया तो बारह का डिफरेंस था सोलह को चालीस बनाया तो चौबीस का डिफरेंस था मल्टीप्लाई बाई दो किया यहां भी मल्टीप्लाई बाई दो किया तो चालीस में अड़तालीस जोड़ना होगा तो हमारा आंसर अट्ठासी आ जाएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हेलो खुशबू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि राहुल राज का भाई है ठीक है जी जो राहुल है वो किसका भाई है तो राज का भाई है राधा रमन की बहन है राधा रमन की बहन है फिर बोलता है राज राधा का पुत्र है तो फिर राहुल का राधा से क्या संबंध होगा फिर राहुल का राधा से क्या संबंध होगा बताओ जी चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि राहुल राज का भाई है चलो बनाओ डायग्राम तो ये राहुल किसका भाई है राज का भाई है तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और ये किसका भाई है तो राज का भाई है राज का अगली लाइन पढ़िए राधा रमन की बहन है अब राधा एक आई जो रमन की बहन है और राज राधा का पुत्र है अब ये राज कौन हो गया पुत्र हो गया और किसका पुत्र हो गया ये किसका पुत्र हो गया भाई साहब तो राधा का पुत्र हो गया और जो ये राधा है ये किसकी बहन है तो रमन की तो राधा बहन हो गई और किसकी बहन हो गई साथियों रमन की बहन हो गई अब आपसे क्या बोला फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है तो बच्चे अगर ये इसकी माँ है तो ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं तो बताना जरा राहुल के लिए राधा इनके लिए ये कौन है तो मम्मी और बेटे हैं माँ और बेटे हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट माँ और बेटे ऑप्शन नंबर बी इज राइट बहुत बढ़िया आगे बढ़ो बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करोगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करोगे जल्दी से बताओ आप कि नौ पांच तीन एक सौ पैंतीस पांच सात चार एक सौ चालीस तो यहां पर पांच क्वेश्चन मार्क पांच एक सौ पचास में कौन सा रिलेशन आप लगाओगे जल्दी से लगाओ और आंसर बताओ फटाफट से रिलेशन बताओ बच्चे और बताओ आंसर बताओ जल्दी से फटाफट फड़ से बिना टाइम खराब किए हुए जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो चलिए मैं आई अंदर कमिंग हाँ बिल्कुल यू यू आई अंदर आ जाएंगे चलिए देखिएगा जरा बहुत ही छोटा क्वेश्चन है नौ पचे कितना होता है बच्चे तो नौ इंटू पाँच किया तो पैंतालीस हो गया और पैंतालीस में इंटू तीन कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ पैंतीस हो जाएगा सात इंटू पांच किया तो कितना हुआ पैंतीस हो गया और पैंतीस का अगर चार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ चालीस इंटू कितना सर पच्चीस इंटू छ कर दोगे तो डेढ़ सौ मिल जाएगा डेढ़ सौ तो हमारे कितना हो गया सिक्स होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चे सिक्स हो गया बताओ आगे सी वी डी डब्ल्यू एम e एक्स तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगी तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है जल्दी से बताइए चलिए जी फटाफट पड़ से बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी तो देखिएगा जरा टी ती तीसरे नंबर पर आता है ये चौथे नंबर पर आता है ये पांचवें नंबर पर आता है तो अब जो आएगा वो छठे नंबर पर आएगा और देखो छठे नंबर पर क्या है एफ है मतलब इन दोनों को काट दो अब देखो ये के आता है ग्यारह पर ये आता है बारह पर ये आता है तेरह पर तो अब नंबर पर क्या आता है तो एन आता है तो हमारा आंसर, आंसर क्वेश्चन था चलो आगे बढ़ते है नेक्स्ट है। ये देख लो एक क्लास में चार चैप्टर का खा, खात्मा हो जाना है कब हो जाना है तो पच्चीस फरवरी शाम के सात बजे से तो हम पच्चीस फरवरी शाम के सात बजे पच्चीस फरवरी शाम के सात बजे एक चैप्टर में एक मतलब एक क्लास के अंदर मैंने क्लॉक कैलेंडर डाइस फिगर काउंटिंग ये चार के चार चैप्टर को पढ़ाना है तो आप सारे अपने दोस्तों को अभी से बता दो वैसे उम्मीद है क्लास का रिस्पॉन्स देखे कि क्या ही लोग आते हैं ठीक है ना और क्या ही आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं जो आएगा वो पढ़ेगा तो देख रहे हैं आप यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो चाहे साथ ही साथ आप एस की तैयारी कर रहे हो चाहे आप साथ ही साथ वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो बच्चे और चाहे साथ ही साथ आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जामिनेशन की तो इन सारे के सारे एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए ये एक क्लास में लेकर के आ रहा हूं 25 फरवरी शाम सात बजे से लगातार और ये चार चैप्टरों पर हम करेंगे वार तो आप सारे के सारे दोस्त आ सकते हैं बच्चे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए हमारे सामने अगर आप रीजनिंग और मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं और बॉबी सर से जुड़ सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज से हमारा नया कोर्स लॉन्च हो गया है बच्चे। है बच्चे ठीक किसी भी सब्सक्रिप्शन पे अगर आप 20 का डिस्काउंट चाहते हैं तो अप्लाई करना नहीं भूलेंगे और इस क्वेश्चन के पे आंसर पे आ जाएंगे चलिए गुड इवनिंग सृष्टि हम आएंगे ठीक है बच्चे ठीक है सैम जल्दी बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए अगर मन हो आपका थोड़ा भी करने का तो वर्णा कोई बात नहीं है जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर में कैसे सॉल्व करना है तो देखिएगा सर अगर हम नौ इंटू चार कर देंगे तो कितना होता है? 36 होता है है चार करेंगे तो छत्तीस और छत्तीस में आठ को जोड़ देंगे तो चौवालीस होगा सर देखो सात गुणा तीन करोगे तो इक्कीस होगा इक्कीस और इक्कीस में छह को प्लस कर दोगे तो सत्ताईस हो जाएगा तो सिमिलरली आठ गुणा दो करोगे तो सोलह होगा और इस सोलह में चार को प्लस कर दोगे दोस्तों तो बीस हो होगा सोलह में चार को प्लस कर दोगे तो बीस होगा तो लॉजिक समझना ऊपर का दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस में ये इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में ये इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में ये तो हमारा टर्म आ गया कितना तो बीस कितना आ गया बच्चे बीस आ गया समझ में आ गई बात चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा जल्दी से बताएंगे कि तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है तो ये जो चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें तीन में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है तो आपको उसी अलग की पहचान करना है बच्चे उसी अलग की पहचान करना है जल्दी से आप उस अलग की पहचान करके बताइए फटाफट से जल्दी से उसी अलग की पहचान करके बताना है आपको तो देखिएगा जरा जेड बी एन को अगर हम लोग कहें जेड बी एन और यहां हम लोग कहें ई एच यू में रिलेशन निकालने को तो आप सीधे सीधे लिखेंगे छब्बीस दो लिखेंगे और इधर चौदाह लिख देंगे इधर मेरे लाडलो पांच लिखेंगे आठ लिखेंगे इक्कीस लिख देंगे रिलेशन निकालिएगा जरा अब देखिए पी एस डी पी एस डी की अगर हम ट्राइंग बात करें तो ये सोलह पर होता है ये उन्नीस पर होता है और डी चार पर होता है इसकी अगर अपन लोग बात करें तो ये ग्यारह पर होता है ये पच्चीस पर होता है और ये कितने पर होता है इक्कीस पर होता है तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें समझना जरा सर चार को अगर ग्यारह बनाया है तो प्लस का सात कर दिया उन्नीस को पच्चीस बनाया है प्लस का 6 कर दिया सोलह को इक्कीस बनाया है प्लस का पांच कर दिया ठीक सात एस उन्नीस पर होता है जे दस पर होता है एफ छह पर होता है इधर देखो एम तेरह पर होता है पी बच्चे सोलह पर होता है और एक्स चौबीस पर होता है सेम लॉजिक देखना यहां पर सात प्लस छह करेंगे तो कितना होगा तेरह होगा दस प्लस छ करेंगे तो कितना होगा सोलह होगा और उन्नीस प्लस पांच करेंगे तो कितना होगा तो चौबीस होगा लॉजिक समझ में आई सेम यही लॉजिक इसमें भी लग रहा है लेकिन ये वाला ऑप्शन ऐसा नहीं दे रहा है ये वाला ऑप्शन ऐसा नहीं दे रहा है बच्चे समझ में आ गई बात आप लोगों को कि सर सब में क्रॉस में सात छह और पांच का डिफरेंस है पांच छह सात का डिफरेंस है लेकिन पहले वाले में ऐसा नहीं है अच्छा क्वेश्चन था ये जल्दी से बताएंगे यदि ए का मान वन है एम का मान थर्टीन है आर का मान एटीन है तो मिशन को किस तरीके से कोड किया जाएगा तो मिशन को किस तरीके से कोड किया जाएगा जल्दी से बताइए गुड इवनिंग कायरा फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे तो देखिए सर जी ए का मान वन है मतलब ए की प्लेस वैल्यू वन �その होती है एम की प्लेस वैल्यू थर्टीन होती है आर की प्लेस वैल्यू एटीन होती है मतलब जो रियल में होता है वही इस क्वेश्चन में भी दे दिया है तो फटाफट से सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का तो बता सकते हैं ना आप इसमें क्योंकि इसमें तो कोई जान ही नहीं है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है तो इसका तो आंसर आप तुरंत और तुरंत करके दे सकते हैं जल्दी से बताइएगा जरा फटाफट बड़ से इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिएगा तो देखियो सर जी एम की पोजिशन तेरह होती है तो ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं है ना अब देखो सर आई की पोजिशन नाइन होती है तो चलो सर ये देखो सेम है इधर देखो एस की पोजिशन उन्नीस उन्नीस नौ होना चाहिए तो देखो उन्नीस उन्नीस नौ यहां पर भी है उन्नीस उन्नीस नौ यहां पर भी है क्या बात है बड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो अब देखो ओ की पोजिशन पंद्रह होती है लेकिन यहां पर तेरह दे दिया गलत करो सी आंसर ओ की पोजिशन पंद्रह होती है लेकिन बच्चे यहां पर क्या दे दिया तेरह गलत हमारा आंसर क्या हो गया सी बहुत बढ़िया एम टू मोटिवेशन एक ऐसे पिटाई होनी है तुम्हारी चलो जी बहुत बढ़िया शानदार एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर दो है ना बस बताओ क्लास में कहा सत्तर अस्सी लोग आते थे कहा तीस पे पहुंच गए अरे यार इतना कम मतलब इतना बेकार पढ़ाता हूं मैं क्या तो एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर दो शेयर भी कर दो बुला लो अपने दोस्तों को जो लोग नहीं आए उन्हें भी चलो बताओ दो सात चौदह तेईस के बाद अगले क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा दो सात चौदह तेईस के बाद क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा साथियों जल्दी से बताओ बड़ा बट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे दो सात चौदह तेईस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा गुड इवनिंग उजाला जल्दी से बताओ बच्चे जल्दी से बताओ दो सात चौदह तेईस अगले क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा तो देखो दो से सात बनाया तो दो प्लस पांच किया होगा तो सात आ गया सात प्लस सात किया होगा तो चौदह आ गया है ना और चौदह में चौदह में नौ जोड़ा तो क्या आ गया तेईस आ गया तो जाहिर सी बात है सर पांच सात नौ तो अगला टर्म क्या हो जाना चाहिए ग्यारह और इसमें जब अपन लोगों ने ग्यारह को जोड़ देना है तो हमारा आंसर कितना आ जाना है चौतीस इसमें जब अपन लोगों ने ग्यारह को जोड़ देना है तो हमारा आंसर कितना आ जाना है 34, 34. थर्टी फोर ठीक है ना चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा जल्दी से बताइए ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है ओके जी ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है पी बी से ठिगना है ठिगना मतलब छोटा है किंतु सी से लंबा है तो बताओ डी इन ऑप्शनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बताओ डी इन चारों ऑप्शनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे जल्दी से बताओगे आप सॉल्व करो आंसर दो फटाफट बड़ से सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर दे दो आप दे सकते हो सही रंग से चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके कैसे करेंगे तो देखो सर ए जो है बी से लंबा है चलो ये ए जो है ये किससे लंबा है तो बी से लंबा है इधर देखो बी सी से लंबा है अब ये जो बी है ये बी जो है ये किससे लंबा है सी से लंबा है फिर बोला डी बी से ठिगना है किंतु सी से लंबा है किंतु सी से लंबा है तो डी बी से छोटा है तो सर जी बी से छोटा है तो यहां पर होगा और ये C से लंबा है तो ऊपर ही होगा तो बोलता है तो D तो बताना जरा D सबसे ठीक ना है नहीं सर गलत है सर D किस से C से लंबा है बिल्कुल सही बात है A और B से लंबा है गलत बात है B से लंबा है गलत बात है तो हमारा आंसर क्या हो गया सर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए सी से लंबा है बहुत बढ़िया ग्रेट आगे बढ़िए बताइएगा नाटी महिलाएं सफेद बालों वाले लोग और भारतीय नाटी महिलाएं सफेद बालों वाले लोग और भारतीय इन तीनों में कौन सा डायग्राम सही बनेगा इन तीनों का डायग्राम बनाना है आप जल्दी से बताइए नाटी महिलाएं सफेद बालों वाले लोग और भारतीय चलो जी जल्दी से बताना फटाफट से तो देखो सर नाटी महिलाएं और सफेद बाले वाले लोग में कैसा रिलेशन होगा सम का क्योंकि हम कह सकते हैं कुछ नाटी महिलाएं क्या होती हैं सफेद बाल वाले होती हैं और कुछ सफेद बाल वाले क्या होती हैं नाटी महिलाएं होती हैं वैसे ही बच्चे कुछ सफेद बाल वाले भारतीय होते हैं और कुछ भारतीय सफेद बाल वाले होते हैं सी ऐसे ही कुछ भारतीय नाटी महिलाएं होती हैं और कुछ नाटी महिलाएं बच्चे भारतीय होती हैं तो तीन सम का डायग्राम दिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो हमारे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों में सम का रिलेशन है और आपको पता है सम का डायग्राम कब बनाते हैं जब हम दोनों तरफ से सम की कंडीशन को पढ़ पा रहे होते हैं तो डायग्राम सम का बनाया जाता है आगे बढ़िए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर बाई ओर से दाई ओर क्या बाई ओर से दाई ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए ओर से दाई ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए चौदहवें वर्ण के दाई ओर पांचवा वर्ण कौन सा होगा पढ़िए और बताइए आंसर अब इसे एक बच्चे मैं यहीं पढ़ता हूं बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा बाई ओर से दाईं ओर तो सर ये जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होता है इस तरीके से एक्स वाई जेड तक तो क्वेश्चन ने कहा बाई ओर से दाईं ओर मतलब इधर से तो ये हमारा कौन सा ओर है तो बाई ओर है है ना तो बोला बाई ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर पांचवा तो भाई इधर से 14वां इधर से 14वां मतलब बाएं से 14वां हुआ, हुआ, हुआ। और इसके दाएं में कितना हो गया पांचवा तो चौदह और पांच कितना उन्नीस और ये उन्नीस की पोजीशन को किधर से ले रहे हो तो बाएं से ले रहे हो और पता है आपको बाएं से उन्नीस नंबर पर, तो पर क्या आता है दोस्तों तो एस आता है एस ठीक है चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं ये रहा बताइएगा थ्री सेवन टू फोर्टी नाइन अगले क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा बच्चे तीन सत्ताईस दो सौ तैतालीस तीन सत्ताईस दो सौ तैतालीस और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा जल्दी से बताएं फटाफट फड़ से सॉल्व कीजिए तीन सत्ताईस दो सौ तैतालीस तो देखिए तीन में नौ से मल्टीप्लाई किया तो नौ सत्ताईस हुआ सत्ताइस में भी नौ से मल्टीप्लाई किया तो दो सौ तैतालीस हुआ तो इसमें भी नौ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नौ सत्ताइस कौन से ऑप्शन में सात है तो इक्कीस है।, है ना सब में नाइन नाइन का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारा आंसर कितना इक्कीस सौ सता आगे बढ़िए बताइए इसका आंसर चलिए बताइए बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कैसे करेंगे देखिए सर नौ में नौ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इक्यासी आएगा अगर इक्यासी में अपन इक्यासी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा पैंसठ सौ इकसठ आएगा देखो कैसे इक्यासी का स्क्वायर करते हैं ना तो इक्यासी का स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है कि यहां पर का कर देते हैं तो जीरो आठ का स्क्वायर करते हैं तो चौसठ हो जाता है इधर आठ इंटू एक करते हैं तो आठ आठ दो ना कितना तो सोलह इसको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है इस तरीके से ठीक है तो अब हमें इसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा अब आप ये करते रहिएगा क्योंकि इतना बड़ा टाइम तो है नहीं हमारे पास इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा कि क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए पहला पॉइंट बोलता है हाँ चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा अधिकारियों के प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को सुना जा सके बिल्कुल ठीक है भाई फेवर में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है ये तर्क अच्छा है फिर बोलता है नहीं यह शैक्षिक वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में अराजकता और फैलती है जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है बल्कि और अधिक विवादों को जन्म देता है अब देखो ये कहीं ना कहीं ये तो फैक्ट की बात कर रहा है ना कि नहीं मतलब इससे क्या होता है कि जो हमारे शैक्षिक संस्थान होते हैं उसमें कुछ चीजें बाधित होने लगती हैं और कहीं कहीं सॉल्यूशन के बजाय कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी भी हो जाती है तो ये भी फैक्ट की बात कर रहा है तो ये भी जो आर्ग्यूमेंट है ये भी अपने आप में क्या है सही है आर्ग्यूमेंट जो है अपने आप में क्या है बच्चे तो सही है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला एवं दूसरा दोनों पोस्ट है ठीक है ना कि शिक्षक संस्थानों में सात छात्र संघों के लिए चुनाव होना चाहिए क्योंकि बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली आगे ना जा करके उस जो मेन लीडर है उससे कह सके ठीक है अच्छा पॉइंट है होना भी चाहिए और साथ ही साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है है ना कि वहां से कल्चर जो होता है वो काफी ज्यादा खराब होने लगता है ठीक है लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कभी कभी तो इसलिए बिल्कुल ठीक है ये भी बात सही कही गई है तो हमारा आंसर वन एंड टू दोनों पोस्ट है आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद प्लस कोर्स पे जाते हैं तो इतने सारे आपको फायदे दिखाए जाते हैं अन अकेडमी के लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं कभी तो भी आप अपने बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं मतलब कई सारे फायदे हैं आपको चलिए बताइएगा अब देखिए मैंने जो आपसे कहा कि पच्चीस फरवरी शाम सात बजे पच्चीस फरवरी शाम सात बजे से लगातार लगातार चार चैप्टरों पर हम वार करने वाले हैं और वो चार चैप्टर आपके नजरों के सामने यही है कि क्लॉक कैलेंडर डाइस और फिगर काउंटिंग ये चार चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को लेकर के बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपसे और एक एक चीज बारकियों से समझाने की कोशिश करूंगा तो आप मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे 25 फरवरी 25 फरवरी शाम सात बजे चलिए बताइए यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को एक दो तीन चार बुक को पांच सात लिखा जाता है तो टोस्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा आपको बताना है जल्दी से बताइए सोचिए जरा इस क्वेश्चन में ऐसा क्या लॉजिक लगाया जाएगा बताएं एल एस टी लास्ट को अगर एक दो तीन चार बुक को यदि पांच छे छे सात दोस्तों उसी कूट भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा बताएं तो बताएं टोस्ट को क्या लिखा जाएगा तो देखिए देखिए यहां पर एल की पोजिशन वन है ए दूसरे पर आता है एस तीसरे पर आता है ये पांचवे पर, आता है। ये पर ये दोनों को किया पर, तो सीधे -सीधे आप आंसर टी पर आएगा तो टी लास्ट वाले पर चौथे पर आएगा फिर बताइए ओ कितने नंबर पर आएगा तो ओ छठे नंबर पर आएगा देखिए चार और छह कहा है चलो जी ये गलत हो गया ये गलत हो गया फिर देखो ए कितने पर आ रहा है तो ए दूसरे पर आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट है ना क्योंकि ये सिंगल डायरेक्टली कोड है कि जो जिसके सामने है जो जिसके सामने है उसका कोड वही है जो जिसके सामने है उसका कोड वही है आगे बढ़ो बताओ हाथ अंगूठा हाथ का रिलेशन किससे है अंगूठा से है तो पेन का रिलेशन किससे होगा हाथ का रिलेशन यदि अंगूठा से है तो पेन का रिलेशन किससे होगा आपको बताना है जल्दी से बताइए हाथ का रिलेशन यदि अंगूठा से है बच्चे तो आपको बताना है पेन का रिलेशन किससे होगा पेन का चलिए तो देखो हाथ का रिलेशन अंगूठा से है तो पेन का रिलेशन किससे होगा तो निब से होगा निब से है ना हाथ का बिल्कुल निचले पॉइंट को हम मतलब अंगूठा फिंगर्स होते हैं हमारे तो यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर क्या होता है ये मार्कर है 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 या इस पेन है, इसके नीचे वाले पॉइंट पे क्या है? तो ये निव होता है तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे बढ़ो बताओ क्वेश्चन ने क्या कहा कि आगे दी गई सीरीज में कितने तीन ऐसे हैं आगे दी गई सीरीज में कितने तीन ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद नौ और तुरंत पहले आठ आता हो यहां पर बताना है कि कितने ऐसे तीन हैं जिनके तुरंत बाद नौ और तुरंत पहले बच्चे आठ आता है बताओ जी काउंट कीजिए और आंसर दीजिए काउंट कीजिए और आंसर दीजिए कि कितने तीन ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद नौ और तुरंत पहले आठ आता है बताइएगा बताइए कितने तीन ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद नौ देखो जी और तुरंत पहले आठ आता है तो तीन के ये वाले तीन के तुरंत बाद नौ और तुरंत पहले आठ आया नहीं आया खत्म करो इस वाले तीन के तुरंत बाद नहीं आया खत्म करो इस वाले तीन के तुरंत बाद नौ और तुरंत पहले आठ आ गया इस वाले तीन के तुरंत बाद नौ और तुरंत पहले आठ आ गया देखो इस वाले के पहले नहीं आया नहीं आया खत्म करो बस खत्म तो बताओ कितने के पहले आया एक दो और तीन तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर लास्ट डी आगे बढ़ो किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को इस तरीके से कोड किया गया वोटर को इस तरीके से कोड किया गया तो रिटायर्ड को किस तरीके से कोड किया जाएगा बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए यदि किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को एक दो तीन चार पांच तीन छे से कोड किया गया वोटर को चार पांच सात आठ तीन से कोड किया गया तो रिटायर्ड को किस तरीके से कोड किया जाएगा तो देखो सर एक बात कॉमन है यहां पर इस ए की पोजिशन देखेंगे तो ए की पोजिशन पांच है और यहां पर भी ए की पोजिशन कितनी है तो पांच है और कोई कॉमन वर्ड है इन दोनों में और कोई कॉमन वर्ड है क्या तो सर आर कॉमन है आर इस देखो इस दोनों आर की पोजिशन कितनी है तो सर आर तीसरे पर है यहां पर तीन और यहां पर भी तीन और यहां पर भी क्या तीन मतलब ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट कोडिंग की गई है तो बताओ बच्चे आर की पोजिशन कितनी थी तो तीन थी किस ऑप्शन तो में तीन है सब में तीन है फिर देखो ये सब में आठ है इधर देखो सात छह तीसरे नंबर पर टी की पोजिशन बताओ क्या थी तो टी तीसरे पर है और उधर तीसरे पर सात है तो सर ये छह वाले को गलत कर दो अब देखो ये सात सात गलत पांच पांच गलत अब चार और तीन में फर्क देख लो तो आर की पोजिशन क्या थी तो आर की पोजिशन तीन थी तो चार वाले को उड़ाओ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी चार वाले को उड़ाओ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन एलिमिनेट इस तरीके से करेंगे जो सेम है उसको खत्म करते जाओ उससे कोई मतलब ही नहीं है जो अलग है उससे एक दूसरे से कंपेयर करा लेना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पच्चीसवें क्वेश्चन पे बताओ एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर तीन किलोमीटर चलता है ठीक है फिर अपनी बाई दिशा में मुड़कर वह तीन किलोमीटर चलता है ओके। okay. इसके बाद वह फिर से अपने बाई दिशा में मुड़ता है और चार किलोमीटर चलता है तो वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है तो वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है आपको यह बताना है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि नवीन पूर्व की ओर तीन किलोमीटर चलता है तो भाई नवीन पूर्व की ओर इधर की ओर कितने किलोमीटर चलता है तो तीन किलोमीटर चलता है फिर अपनी बाई दिशा में मुड़कर वह तीन किलोमीटर चलता है तो इसका बाया क्या होगा ऊपर की ओर और, और कितना जाता है तो तीन किलोमीटर इसके बाद फिर से वह बाई दिशा में मुड़ता है और चार किलोमीटर जाता है तो इसका बाया ये होगा और ये हो गया इसका चार तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है तो बताओ ये वाला स्थान कौन सा है बताओ साथियों ये वाला स्थान कौन सा है तो हमें पता है डायरेक्शन ये होता है और ये वाला स्थान उत्तर और पूर्व के पश्चिम के बीच में ये वाला स्थान उत्तर और पश्चिम के बीच में है ऑप्शन नंबर बी ये वाला जो स्थान है उत्तर और पश्चिम के बीच में है ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ो बताओ यदि दक्षिण पूरब को दो स्थान बदला जाए तो उत्तर पूरब बन जाता है दक्षिण पश्चिम बन जाता है यह मानते हुए सभी दिशाओं को इसी तरीके से बदल दिया जाता है तो पश्चिम दिशा क्या होगी बताइए ये सॉल्व यदि दक्षिण पूर्व दो स्थान बदलता है तो उत्तर पूर्व बन जाता है बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा यदि दक्षिण पूर्व दो स्थान बदलता है तो उत्तर पूर्व की तरफ पहुंच जाता है तो देखो भाई साहब दक्षिण पूर्व ये होता है ये दो स्थान जब बदलता है तो कहां पहुंच जाता है उत्तर पूर्व की तरफ मतलब यहां पर पहुंच जाता है मतलब यही तो हुआ ना कि अपने पीछे की तरफ जा रहा है है ना ये अपने कहां जा रहा है पीछे की तरफ माइनस दो का स्थान चेंज कर रहा है तो आपसे बोला तो पश्चिम की दिशा क्या होगी तो पश्चिम दिशा ये होगी और जब इसका आप माइनस दो करोगे भाई अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व बना रहा है उत्तर पश्चिम बना रहा है तो माइनस का क्या किया एक और दो तो इसमें भी माइनस का दो करोगे तो एक और दो कहां पहुंच जाओगे दक्षिण पे इस पर भी माइनस का करोगे तो कहां पहुंच जाओगे दक्षिण पे ऑप्शन नंबर डी हो दक्षिण पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे बढ़ो किसी कूट भाषा में यदि रमन को सैतालीस से, से कोड किया गया है तो अर्जुन को किससे कोड किया जाएगा बताना है बताइए यदि किसी कूट भाषा में रमन को सैतालीस लिखा जाता है तो अर्जुन को क्या लिखा जाएगा आपसे क्वेश्चन नहीं है पूछा बताएं फटाफट बताइए तो रमन को यदि 47 लिखा जाता है तो रमन में r की पोजीशन कितनी होती है 18 फिर a आता है पहले नंबर पर फिर m आता है 13 नंबर पर फिर a आता है पहले पर फिर n आता है चौदह नंबर पर ठीक है ना तो अब आप इसको जोड़िएगा तो 18 और ये कितना हो गया 19 19 और 13 कितना हो गया 19 और 10 29 और 3 32 32 और ये कितना 33 33 और 10 कितना हो गया िस और चार कितना हो जाएगा तो सैतालीस तो इनका जब अपन लोगों ने सम किया तो इसका सम कितना मिला फोर्टी सेवन। तो तो सेम ऐसे ही अगर हम इसकी भी बात करें तो एक प्लस कितना अट्ठारह उन्नीस हुआ उन्नीस प्लस दस कितना हो जाएगा उनतीस हो जाएगा उनतीस प्लस प्लस बीस प्लस इक्कीस करेंगे तो कितना होगा पचास और पचास हाँ पचास और चौदह करेंगे तो कितना होगा चौवन होगा फिफ्टी फोर ऑप्शन में तो right. right, है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ठीक है चौवन होगा या चौसठ होगा बच्चे ढंग से करो कितना आ जाएगा अठारह एक उन्नीस उन्नीस और दस उनतीस एक तीस बीस पचास दस साठ और चार चौसठ ठीक है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्सटी फोर हो जाएगा सी वाले गलत हैं बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि सिक्सटी फोर होगा हमारा आंसर ना कि फिफ्टी फोर होगा आगे बढ़ते हैं बताइएगा ई एफ जी एच का जो रिलेशन वी यू टी एस से है वही रिलेशन जे के एल एम का किससे होगा वही रिलेशन जे के एल एम का किससे होगा जल्दी से बताइए बताएं देखिए ई का ऑपोजिट क्या हो रहा है वी एफ का ऑपोजिट क्या हो रहा है यू जी का ऑपोजिट क्या है टी एच का ऑपोजिट क्या एस तो वैसे ही देखो जे का ऑपोजिट क्या होता है तो क्यू होता है तो के तो का ऑपोजिट क्या होता है तो पी होता है तो देखो क्यू पी कहाँ है तो दो ऑप्शन में क्यू पी है फिर बताओ एल का ऑपोजिट क्या होता है तो एल का ऑपोजिट ओ होता है तो क्यू पी ओ ऑप्शन नंबर सी में है क्यू पी ओ ऑप्शन नंबर सी में है आगे बढ़ो बताओ निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या दो है बताओ जी बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या दो आता है बताइए चलिए देखिए जीरो के तुरंत बाद क्या आया दो आया जीरो के तुरंत बाद क्या आया दो आया यहां पर जीरो के तुरंत बाद दो नहीं आया यहां जीरो के तुरंत बाद क्या आया दो आया यहां पर नहीं आया तो बताओ कितने हो गए ऐसे जीरो जिसके तुरंत बाद दो हैं तो एक दो और ये कितना तीन एक दो और ये कितना तीन तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीन आगे बढ़िए बताइएगा वर्ष माह और दिन में इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है वर्ष माह और दिन में इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है बताइए वर्ष माह और दिन में इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है तो आपको पता है सर सबसे छोटा दिन दिन अगर होगा तो क्या बनेगा मंथ बनेगा और मंथ से क्या बनेगा तो ईयर बनेगा हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ते हैं देखिए हर एक संडे को ये फ्री एमसीक्यू बेस्ट टेस्ट सीरीज होता है एवरी संडे सुबह के दस बजे यदि आप रैंक वन लाते हैं तो हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलता है रैंक टू लाते हैं लाते हैं तो फिफ्टी परसेंट और रैंक वालों तक 25 का स्कॉलरशिप दिया जाता है अन अकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर तो साथ ही साथ अगर आप कर रहे हैं लेखपाल की तैयारी तो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मंडे टू फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार तक रात आठ बजे होता है अगर फर्स्ट प्राइज ला, रैंक लाते हैं तो पांच सौ रुपए का अमेजन का वाउचर मिलता है आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एवरी सैटरडे रात की आठ बजे जुड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब कि तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है तो आपको उसी अलग की आपको उसी अलग की पहचान करनी है बताइए बताइए आंसर चलिए देखिए इक्यावन और चौबीस की अगर हम बात करें तो ये दोनों नंबर तीन से डिविजिबल है बयालीस और पंद्रह की बात करें तो ये भी नंबर तीन से डिविजिबल है ये भी दोनों नंबर तीन से डिविजिबल है लेकिन बत्तीस और तेरह ऐसा नहीं है बत्तीस और तेरह में ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया आगे बढ़िए बताइए आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही डायग्राम होगा इसके लिए आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही डायग्राम बनेगा तो बताइएगा परिवार माता पिता और बच्चे के लिए सम का रिलेशन आएगा क्या नहीं सर परिवार के अंदर माता पिता और बच्चे आ जाएंगे सोना चांदी और आभूषण के लिए सम का रिलेशन आएगा क्या नहीं आएगा गलत हो जाएगा अब देखो डॉक्टर और आदमी के लिए सम का रिलेशन आएगा कि कुछ डॉक्टर आदमी होते हैं और कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं ऐसे ही कुछ आदमी छात्र होते हैं और कुछ छात्र आदमी होते हैं ऐसे डॉक्टर और छात्र के लिए भी आ जाएगा कि कुछ डॉक्टर स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट डॉक्टर होते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी ये देखो मेज कुर्सी और फर्नीचर ये भी गलत होगा क्यों क्योंकि इसका डायग्राम इस तरीके से हम बनाते हैं है ना तो आपसे क्वेश्चन ने यही कहा कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस डायग्राम को सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बताएंगे बताइएगा इस क्वेश्चन में कि तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपका मन हो वैसे दिखता है आपका मन एंड क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपके कुछ दोस्त आना चाहें क्लास से जुड़ना चाहें तो उनको भी बुला लीजिए चलिए तो बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट पड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चे इसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे जल्दी से बताइए देखिए हमें दिख रहा है V से X दिख रहा है V के बाद W एर एक्स हो जाएगा प्लस का डू Y से अगर W हो रहा है तो माइनस का कितना हो गया दो हो गया J से L हो रहा है के एल प्लस का कितना दो M से माइनस का कितना दो इधर तो देखो P से R हो रहा है पी क्यू आर फिर देखो यहां पर क्या हो रहा है माइनस का दो हो रहा है अब बताओ साथियों C से E हो रहा है तो D और E प्लस का कितना हो गया दो और यहां पर देखो माइनस का दो नहीं हो रहा है सात में से दो माइनस करते तो यहां पर पांच आता तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बहुत बढ़िया आगे बढ़िए बताइए किसी कूट भाषा में सी आर यू डी क्रूड को इस तरीके से कोड किया जाता है तो मोस्ट को किस तरीके से कोड किया जाएगा बताइए बताइए आंसर देखिए सी से बी हुआ माइनस का वन फिर 18 से 19 हुआ प्लस का वन फिर 21 से 20 हुआ माइनस का वन फिर चार से पांच हुआ प्लस का वन और पांच से चार हुआ माइनस का वन तो हमने क्या लॉजिक लगाया माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो देखिएगा एम में माइनस वन करेंगे तो क्या होगा एल होगा किस ऑप्शन में एल है तो इनको हटाओ इनको हटाओ अब बताओ बच्चे अब बताओ प्लस वन करोगे तो ओ के बाद क्या आता है पी आता है तो यहां पर पी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे बढ़ो सर्ट का रिलेशन यदि परिधान से है तो बताओ हार का रिलेशन किससे हो सर्ट का रिलेशन बच्चे यदि परिधान से है तो बताओ आप हार का रिलेशन किससे होगा हार का जल्दी से बताओ चलिए देखिए सर्ट क्या है हमारा तो परिधान है तो हार हमारा क्या है बच्चे नेकलेस क्या है आभूषण है ज्वेलरी है तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी आभूषण है हमारा क्या है ज्वेलरी है तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया आगे बढ़ो बताओ एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है बताओ उसके पिता उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है बताओ बताइए जी देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसके पिता मतलब ये जो डायग्राम अब खत्म होगा किस पे खत्म होगा तो महिला की पिता पे उसके पिता है ना महिला की पिता पे खत्म होगा उसके पिता मेरे मेरे मतलब कौन तो आदमी तो चलो सबसे पहले आदमी को बनाओ ये तुम्हारा आदमी हुआ ठीक है यही तो कहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसके पिता मतलब महिला के पिता मेरे पिता के तो मेरे पिता के ये हो गए मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं तो भाई इकलौता पुत्र यही तो हुआ और ये जो आदमी है ये कौन है ये जो आदमी है ये महिला का पिता है ये जो आदमी है ये कौन है महिला का पिता है तो बताओ अगर महिला का पिता ये है तो महिला अपने पिता के ठीक नीचे आ जाएगी अब बताओ इस महिला के लिए इस आदमी का क्या संबंध है तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है बताओ तो इस आदमी का महिला से क्या संबंध है तो ये इसकी कौन है ये इसका बेटा पिताजी है ऑप्शन नंबर सी फादर है बिल्कुल सही बात है आगे बताइए चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या करेंगे हम कैसे करेंगे जल्दी से आंसर दीजिए कि एक सैनिक स्कूल से करियप्पा कारगिल कटारी कसो और सुब्रतो पांच अलग अलग सदन है ठीक है ना एक सैनिक स्कूल से करियप्पा कारगिल कटारी कसो और सुब्रतो पांच अलग अलग सदन है क्वेश्चन ने कहा कि कारगिल सुबतों के दाई ओर है जो कारगिल है जो ये कारगिल है ये किसके दाई ओर है तो ये सुबतों के दाई ओर है तो सर जी यहां पर सुबतो होगा तभी इसका दाया और इधर कारगिल होगा और और कटारी करियप्पा के बाई ओर है है ना ये कारगिल है कारगिल और कटारी और कटारी करियप्पा के बाई ओर है कारगिल के दाई ओर है अच्छा और होगा बाई और और, और कारगिल के दाई ओर है तो बताओ कटारी जो है करियप्पा के बाई ओर है और इस कारगिल के दाई ओर है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा तो यहाँ पर कटारी हो जाएगा है ना बोला ना कि कटारी करियप्पा के बाएं और कारगिल के दाएं है तो कारगिल के दाएं कटारी हुआ और कटारी एक बाई ओर है तो करियप्पा के बाई और है तो करियप्पा को यहाँ रखो तभी इसका बाया ये होगा आगे पढ़ो सुब्रतो माने कसो के दाई और है। अब जो ये सुब्रतो है ये कसो के दाई और है तो यहां पर रखो माने कसो इसका दाया ये होगा अब आपसे बोला कौन सा सदन बीच में तो भाई बीच में ये वाला सदन है कारगिल बीच में ये वाला सदन है कौन तो कारगिल ऑप्शन नंबर कारगिल ठीक है बच्चे समझ में आ गई होगी बात बता बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे बताइए अस्तबल पिल भोसला बताइए जो रिलेशन इन सब में है वैसे ही रिलेशन ऑप्शन में से चारों में से किस में होगा चलिए देखिए सर अस्तबल जिसमें घोड़े रहते हैं बिल ये देखो गंदी बस्ती तो गलत है ना क्योंकि ये जानवरों के रहने का है सिटी कौन सा हमारा सही होगा डेन जिसमें कौन रहता है तो शेर रहता है आगे बढ़ो बताओ ए ए टी बैट क्वेश्चन क्या है दिए गए विकल्पों में से अगला शब्द खोजे जो इस खेल से अधिक अंक देगा अच्छा जी चलिए बताइए इसके लिए तो सारे के सारे ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा इसके लिए तो सारे के सारे ऑप्शन को आपने चूज करना होगा बताइए जल्दी से आंसर एक गेम होता है कैम्बल गेम जिसमें बच्चे जि, मतलब जो सबसे ज्यादा लेटर होंगे ना उनका जो सम होगा वही आंसर होगा देखो कैसे जैसे ये एक नंबर इसका हुआ यहां पर देखो ये एक और बीस कितने पर आता है तो इक्कीस पर आ गया कितने पर आ गया ये इक्कीस नंबर पर फिर देखो ये ज्यादा होगा दो तो और एक तीन तीन और बीस कितना हो गया तो ये हो गया हमारे सामने कितना तो तेईस की पोजीशन हो गई तेईस की तो अब आपको चूज ऐसे ऑप्शंस करने होंगे जो सबसे ज्यादा वाले होंगे सबसे ज्यादा वाले तो अब आपको लिख के ही सॉल्व करना होगा दो प्लस एक कितना तीन और ये हो गया बीस और ये प्लस में कितना बच्चे उन्नीस प्लस में कितना उन्नीस तो उन्नीस और एक बीस बीस चालीस और दो कितने हो जाएंगे पांच तो बीस प्लस, 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 तो प्लस पांच पच्चीस पच्चीस प्लस तीन कितना तो अट्ठाईस इधर देखो दो प्लस एक तीन तीन प्लस नौ कितना बारह बारह प्लस बीस कितना बच्चे बत्तीस फिर बताओ दो प्लस एक कितना तीन तीन प्लस बीस कितना तेईस और तेईस प्लस आठ कितना तो अब देखो जो सबसे ज्यादा हो जैसे बयालीस सबसे ज्यादा है तो अगला टर्म यही हो जाए पी ए टी एस ठीक है ना तो बयालीस सबसे ज्यादा है बच्चे तो सबसे ज्यादा वाला टर्म ही हो जाएगा तो यही ये गेम होता है कि बढ़ते वाले क्रम को ही लेना होता है, है ना तो तेईस के बाद जो सबसे बड़ा होगा सम में तो बयालीस ही सबसे बड़ा है सब में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है सी टू वन में है ना वैसे मेरे बातों पे भरोसा तो है नहीं आपको अगर होता तो आप क्लास में जरूर आते आपके सारे दोस्त आते जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं ठीक है तो कोई बात नहीं वक्त बताएगा मार्क्स मैं सही बता बोल रहा था या गलत बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे देखिए अगर हम इन दोनों टर्म को ले लें तो छियासी का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा तैतालीस और तैतालीस में से एक माइनस कर देंगे तो हमारा यह टर्म आ जाएगा बयालीस इधर देखिए कितना आता है अट्ठाईस अट्ठाईस का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा चौदह और चौदह में जब अपन एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना तेरह तो सिमिलरली हमें लाना है कितना तीस तो बताइएगा हम ऐसे कर लेंगे बीस प्लस में कितना एक्स बटे में दो बराबर कितना तीस तो बताइए जरा तीस का डबल कितना हो जाएगा साठ तो एक्स बराबर साठ में से बीस को माइनस कर देंगा. x बराबर साठ में से 20 को माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 40 तो सीधे सीधे हम 40 भी लिख सकते थे यहाँ क्योंकि तो देखिएगा 40 प्लस बीस साठ होता है नहीं गलत कर रहा हूं मैं 40 और 20 कितना हो जाएगा माइनस का वन भी करना होगा ना तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 और 60 का आधा करेंगे तो तीस नहीं गलत है यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए बयालीस है ना क्योंकि बयालीस और ये हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बासठ बासठ का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें इकतीस इकतीस में से एक माइनस होगा तो तीस तो यहाँ पर होगा फोर्टी टू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्टी टू बयालीस चालीस वाले गलत है भाई ठीक है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बच्चे चालीस नहीं होगा बयालीस होगा क्योंकि माइनस का वन भी करना था तो हम यहाँ पर बयालीस को पुट करेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बताइए आप देख लीजिए ये वैसे ये आपके काम की चीजें अगर मर्जी है तो पच्चीस फरवरी को शाम सात बजे आ सकते हैं चलिए कुछ पेड बैचेज हैं हमारे की तरफ से अगर आप यूपी ट्रिपल वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो 11 फरवरी से कोर्स लॉन्च किया जा रहा है 900 पर मंथ में आप कोर्स को कर सकते हैं और वीडियो के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं साथ ही साथ अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीर और उन्नत बैच से ज्वाइन हो सकते हैं प्रारंभ बैच एक स्टार्ट किया गया है कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस लोअर पीसीएस के लिए ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए ठीक है इफ द डबल यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले के आयतन से मूल गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा क्वेश्चन तो ने क्या कहा कि अगर यदि गोले की त्रिज्या को डबल कर दिया जाए मतलब रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसका रेडियस डबल होगा तो कितना होगा दो आर और पहले जो रेडियस था वो कितना था भाई साहब तो आर था तो आपसे क्या कहा तो यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले के आयतन मतलब इसका क्या वॉल्यूम तो आपको पता है सर जी इसका सीधे सीधे क्यूब कर दो है ना क्यूब कर दो तो अब देखो आर से आर को काट दो तो यहां पर आठ हो जाएगा और आठ रेसियो एक हो जाएगा पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना तो एट इज टू वन हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया वन इज टू एट नहीं होगा आंसर का गलत कर दिया बच्चे एट इज टू बन होगा क्या बोला तो नए गोले के आयतन से मूल गोले के आयतन का अनुपात पूछा है तो नए गोले का आयतन क्या होगा टू टू का रहे हो आप आगे बढ़ो बताओ अंग्रेजी शब्द वर, अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति का मान है ठीक है तो शब्द ये इतना बड़ा शब्द जो लिखा गया है इसमें सभी अक्षरों का योग क्या होगा चलो बताओ जी बताइए इनका सम निकालना है आपको तो देखिए जी पांच प्लस कितना चौबीस चौबीस प्लस देखिएगा सात और सात कितना चौदह और एक कितना हो गया पंद्रह पंद्रह और पांच कितना हो गया बीस बीस और अठारह कितना हो गया अड़तीस अड़तीस और एक कितना हो गया उनचालीस उनचालीस और बीस कितना हो गया उनसठ उनसठ और नौ कितना हो गया उनसठ और नौ कितना हो गया बच्चे तो अड़सठ अड़सठ और पंद्रह कितना हो गया तो अड़सठ और दस अठहत्तर अठहत्तर और पांच तिरासी तिरासी और चौदह कितना हो जाएगा तो तिरानवे तिरानवे तिरासी और चौदह तिरासी और दस तिरानवे और चार कितना सत्तानवे 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 और पांच करेंगे तो कितना हो जाएगा तो एक सौ दो एक सौ दो और चौबीस करेंगे तो 126 एक सौ छब्बीस ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बताइएगा यदि मैप का रिलेशन लोकेशन से है तो कैंपास कंपास का रिलेशन किससे होगा बताइए जी यदि मैप का रिलेशन लोकेशन से है तो कैंपास का रिलेशन किससे होगा फटाफट पड़ से तो देखो सर मैप का काम क्या होता है हमारा तो लोकेशन को बताना तो कंपास का काम क्या होता है बच्चे तो डायरेक्शन को बताना होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट बताओ इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी आंसर बताएं जल्दी से उस क्वेश्चन चलिए देखिए इसको हमने क्या लिखा दस का स्क्वायर प्लस में, में, में कितना तो क्या लिखा नौ का स्क्वायर चौसठ चौसठ प्लस में कितना तो चौसठ और प्लस में कितना बच्चे सात इसको हमने क्या लिखा सात का स्क्वायर उनचास उनचास प्लस में कितना तो पांच आप क्या समझ रहे हो दस नौ आठ सात तो यहाँ पर करो 6 का स्क्वायर इधर देखो ग्यारह नौ सात पांच तो यहाँ करो तीन तो 6 का स्क्वायर छत्तीस प्लस तीन कितना उनचालीस ऑप्शन नंबर डी छत्तीस प्लस तीन कितना उनचालीस ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़िए बताइए तितली अगर इंसेक्ट से संबंध रखती है तितली का संबंध यदि कीट से है, मतलब बटरफ्लाई अगर कीड़े के उसमें आते हैं तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा रिलेशन है ठीक है मोनू करा देंगे बच्चे यदि तितली का संबंध कीट से है बटरफ्लाई किसमें आती है इंसेक्ट में तो बताओ ऑस्टेज जो शुतर्मुर्ग होता है वो किसमें आता है वर्ड में ही आता है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए वर्ड में ही होता है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए गलत है बाकी आगे बढ़िए देखिए अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक सब्सक्रिप्शन के अंदर यूपीपीएससी लोअर पीसीएस आर ओ ए आर ओ यू पी एस ट्रिपल एस सी पैट लेखपाल पाल और ऑप्शनल कोर्सेज मतलब सारे के सारे यूपी के अंदर होने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए काबिल हो जाते हैं कोर्स की बात करते हैं तो 24 महीने की 12 महीने की 6 महीने की 3 महीने की और एक महीने की फीस स्ट्रक्चर ये दी गई है अगर आप मेरा रेफरल कोड ए डी के टेन को अप्लाई करते हैं अगर मेरा रेफरल कोड आप ए डी के टेन को अप्लाई करते हैं तो इन कोर्सेज के ऊपर मिलता है आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट आपको ये जो फी है वो इस रेट में मिलने लगना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप यूपी एंड बीपीएससी की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं घर बैठे हुए तो कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं हमारा ठीक है अच्छे चलिए बताइए इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है जल्दी से बताइए तो देखिए किया तो कितना आया थर्टी और थ्री इंटू थ्री किया तो कितना आया 9. और तीस नौ कर दिया तो चालीस आ गया चार इंटू चार किया तो कितना आया सोलह और सात इंटू पांच किया तो कितना आया पैंतीस और पैंतीस प्लस सोलह कर दिया तो कितना हो गया इक्यावन चार इंटू तीन किया तो कितना मिला बारह और पांच इंटू पांच किया तो कितना मिला पच्चीस और 25 में 12 को प्लस कर देंगे तो 35 और दो कितना हो जाएगा 37 ऑप्शन नंबर बी बताइएगा रिलेशन 6961 का 8 से है वैसे ही 8876 का रिलेशन किससे हो यही जो मैंने अभी आपको दिखाया था वही यूपी कांस्टेबल का फी था बच्चे बताइए बताए देखिए बताइए आंसर दे दो इनको नंबर नंबर ही लेने तो क्लास में आए हैं ये है ना बात करने के लिए धरम नाम की कोई चीज़ तो है नहीं तुम्हें है ना बर्बाद हो जाओगे बर्बाद हो ही बर्बाद अभी सही हो कार्य तो वही नहीं ठल्ले बताओ आंसर इसका बुलेट को अगर 35 बटे सैतीस से कोड किया गया है प्रूफी को यदि 49 नाइन अपॉन फोर्टी से कोड किया गया है तो जैकेट का कोड क्या होगा चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हम एक बात ये देख सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर पोजिशन लिखे ना तो ये दो प्लस देखो इक्कीस कितना कितना पैंतीस हो जाएगा अगर आधा आधा बांट दो आधा आधा बांट दो फिर देखो बारह और पांच कितना सत्रह सत्रह और बीस कितना हो जाएगा तो सैतीस तो हमने क्या देखा इक्कीस और बारह इकतीस तैंतीस और दो पैंतीस तो यहाँ पर पैंतीस आ गया और ये देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा सैंतीस हो जाएगा पैंतीस बटे क्या मिल गया तैंतीस मिल गया फिर समझना इसके भी तीन लेटर को पार्ट डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा सोलह प्लस में कितना अट्ठारह प्लस में कितना आएगा पंद्रह तो जोड़ो जरा तो ये पंद्रह और पंद्रह तीस और तीन कितना हो जाएगा तैतीस तैतीस और छः कितना हो जाएगा उनचालीस और दस उनचास देखो ये उनचास आया वैसे ही देखो बच्चे ये पंद्रह हो गया पंद्रह और छह कितना होता है इक्कीस होता है इक्कीस और पच्चीस कितना हो जाएगा तो इक्कीस और पच्चीस छियालीस हो जाएगा समझ में आ गई बात तो बीच के तीन नंबरों का सम है तो दस प्लस एक ग्यारह ग्यारह प्लस तीन कितना चौदह बटे में क्या करोगे तो ग्यारह और प्लस पांच करोगे तो सोलह सोलह और बीस कितना हो जाएगा तो सोलह और बीस हो जाएगा छत्तीस तो चौदह बटे छत्तीस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौदह बटे छत्तीस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है ना बढ़िया क्वेश्चन था ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नहीं बताइए पूछा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपसे क्वेश्चन नहीं ये पूछे देखो ये पांच पर होता है अगर हम सोलह और बारह को जोड़ दें आपस में तो अट्ठाइस होता है और अट्ठाईस में अगर पाँच से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो एक सौ चालीस आ जाता सिमिलरली उन्नीस प्लस तेरह अगर हम करेंगे तो उन्नीस और दस कितना हो जाएगा उनतीस उनतीस और तीन कितना बत्तीस अब बत्तीस में अपन चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सौ अट्ठाईस तो सेम ऐसे ही बाईस प्लस पच्चीस करोगे तो कितना आ जाएगा तो 25 और 22 करोगे तो कितना हो जाएगा सैंतालीस और सैंतालीस में जब अपन तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सात या इक्कीस बारह और दो चौदह मतलब एक, एक सौ इकतालीस हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक सौ इकतालीस हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी चलो एक बज के अट्ठारह मिनट पर घड़ी की सुइयों और मिनट की मतलब घंटे और सुई मिनट की सुई के बीच का एंगल बताना है ठीक है तो इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर लीजिएगा हेलो एवरीवन वेलकम टू यूपी मंत्रा मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चे तो कैसे हैं आप सारे लोग एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट से जिससे अपनी इस क्लास की शुरुआत की जाए है ना तो जल्दी जल्दी से आप जुड़ते जाइए क्लास से बच्चे उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ठीक है सनी सिवा दो लोग आए हुए हैं अभी बहुत बढ़िया तो जल्दी से आप सारे अपने दोस्तों को बुला लो दोस्तों एक बार जिससे अपनी जो ये क्लास है एकदम बेहतरीन तरीके से कर दी जाए चलिए जी फटाफट तो पड़ से आप आते जाएंगे तो जैसे कि आपको पता है अभी हम लोग क्वेश्चंस क्वेश्चंस खेल रहे हैं लेकिन अभी आने वाले टाइम में मतलब आज से सिर्फ दिनों दिनों के बाद, दिनों के बाद बाद अपन करने वाले हैं चार चैप्टर एक क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं क्या तो चार चैप्टर और एक क्लास के अंदर और कल सुबह दस बजे से भी आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना तो कल सुबह दस बजे से हमारी क्लासेस को आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आते हैं अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन से पहले आप ये देखिएगा कि रीजनिंग एक क्लास में चार चैप्टर खत्म यह कब शुरू होने वाला है तो पच्चीस फरवरी शाम सात बजे से लगातार पच्चीस फरवरी को शाम सात बजे से यह लगातार होने वाला है अभी ये जो रीजनिंग है ये किस किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी तो याद रखिएगा ये जो रीजनिंग है हमारी ये आप चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की कर रहे हैं चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ यूपीएसआई की कर रहे हैं चाहे आप तैयारी एसएससी की कर रहे हो चाहे आप तैयारी बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप की कर रहे हो मतलब कहने का ये है या ग्रुप डी की कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो और जिस एग्जाम में रीजनिंग आता है उन सारे के सारे एग्जाम्स को देखते हुए मैं ये क्लास लेकर के आ रहा हूं कब तो पच्चीस ये रहा जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे बच्चे ठीक है नमस्ते नमस्ते बच्चे तर आप हीरो हैं कहीं नहीं बच्चे कोई हीरो नहीं हूं मैं ठीक है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे कि राज रोहन राम रीतिका और रानी ये कौन है तो ये सहोदर है ठीक है सभी तो सहोदरों की लंबाई अलग अलग है ओके जी फिर बोलता है कि राज की लंबाई केवल एक सहोदर से अधिक है रोहन की लंबाई राज और रीतिका की लंबाई से अधिक है परंतु राम की लंबाई से अधिक नहीं है फिर रितिका की लंबाई राज की लंबाई से अधिक है राम सबसे छोटा नहीं है तो उनमें से सबसे छोटा कौन है आपको यह बताना है बताइए बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग कृष्णा एम टू मोटिवेशन सनी डेविल रेनू गुड इवनिंग बच्चे सबको राम राम गुड इवनिंग बस दस लोग आज क्लास में आए हैं चलिए अच्छा है आप आ गए तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन आप देखोगे ना इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जो आदत है उसको हम स्किप करते हैं अब हम एक थोड़ा अलग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट सन जो मेथड होता है उससे देखो क्वेश्चन एक आया कि उनमें से सबसे छोटा कौन है मतलब जी सबसे छोटा का मतलब यह हुआ कि वो बंदा किसी भी किसी भी इंसान से बड़ा नहीं होना चाहिए वो सबसे छोटा ही होना चाहिए तो ऑप्शन में दिया गया है राम और देखो राम से जुड़ी हुई बात क्वेश्चन में क्या कह रही है तो सर जी इसमें बोला है कि रीतिका की लंबाई से अधिक है परंतु राम की लंबाई से अधिक नहीं है परंतु राम की लंबाई से अधिक नहीं है मतलब जो राम है वो किसी ना किसी से लंबा है तो सर ये सबसे छोटा हो नहीं सकता रानी की बात इस क्वेश्चन में कहीं नहीं की गई है छोड़ दीजिए यहां पर देखो रीतिका की बात की जा रही है तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि रोहन की लंबाई राज और रीतिका की लंबाई से अधिक है परंतु राम की लंबाई से अधिक नहीं है ठीक है फिर देखो रीतिका की लंबाई राज की लंबाई से अधिक है सर रीतिका की लंबाई राज की लंबाई से अधिक है तो यह भी सबसे छोटा नहीं हो सकता फिर देखो फिर देखो क्वेश्चन में क्या कहा ये देखो कि रोहन की लंबाई राज और यहां देखो राज की लंबाई केवल एक सहोदर से अधिक है तो सर राज भी किसी ना किसी से लंबा होगा तो बताओ सबसे छोटा कौन हो गया तो रानी सबसे छोटा कौन हो गया बच्चे तो रानी क्लियर है आप सबको तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ क्वेश्चन में हिंट लेते जाओ देखो कैसे हमने देखा राम की बात तो सर देखो क्वेश्चन ने बोला कि सबसे छोटा सबसे छोटा इन द सेंस कि उससे वो किसी से बड़ा होना ही नहीं चाहिए तो राम की अगर बात किया तो क्वेश्चन ने क्या कहा देखो परंतु राम की लंबाई से अधिक नहीं है मतलब सर राम किसी ना किसी से लंबा है तो पहला ऑप्शन गलत रानी की कहीं भी बात नहीं की गई है छोड़ दीजिए फिर बोला रीतिका तो देखो रीतिका की लंबाई राज की लंबाई से अधिक है मतलब रीतिका भी लंबा है सर जी तो यह भी गलत हो गया फिर राज की बात किया गया तो राज की लंबाई केवल एक सहोदर से अधिक है तो सर राज भी सबसे छोटा नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रानी हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे रानी हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में ना अब आप डायग्राम बनाने की जो आदत है उसे छोड़िए कम से कम पेन का यूज करते हैं दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा ए एफ के पी का रिलेशन जेड यू पी के से है जल्दी से देख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जल्दी से देख करके फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए जरा चलिए जल्दी जल्दी से बताइए बच्चे तो देखिएगा जरा आपकी नजरें ही आपको गवाह गवाही दे रही होंगी क्या गवाही देती हैं गवाही तो हम बहुत कुछ दे जाते हैं प्यार में इधर देखो ए को जेड लेकिन निभाते नहीं है बी का ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चे तो बी का ऑपोजिट वाई होता है सी का ऑपोजिट क्या होता है तो एक्स होता है और यही वादे आप हमसे करते हैं स्टार्टिंग में और धीरे धीरे आप भूल जाते हैं जो कि आप भूले पड़े हैं कोई आदता ही नहीं पता नहीं कहां पर चलिए जी इधर देखेंगे तो ए का ऑपोजिट क्या होता है जेड एफ का ऑपोजिट क्या होता है यू के का ऑपोजिट क्या होता है पी और पी का ऑपोजिट क्या होता है तो के तो सर देखो ऑपोजिट वाला लॉजिक है तो सी का ऑपोजिट एक्स होगा गलत हो गया ई e का ऑपोजिट वी ठीक है जे का ऑपोजिट गलत हो गया सर क्यू होगा इधर देखो डी का ऑपोजिट गलत हो गया सर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट ठीक है ऐप पर पढ़ाते हैं ऐप है नहीं बच्चे ऐप पर तो क्या आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लो वहीं पे क्लासेस होती है चलिए बिल्कुल ठीक आंसर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बताइएगा क्वेश्चन ने क्या कहा कि सभी पेड़ फूल हैं ठीक है कोई भी फूल पौधा नहीं है फिर बोला कुछ जड़े पेड़ हैं भाई ये तो गलत ही होगा क्योंकि जड़ का कोई रिश्ता ही नहीं है ऊपर गलत बात दी गई है चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे बच्चे एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को एक एक लोगों को भी बुला लो तो तीस पैंतीस चालीस मतलब पहले देखो उम्मीद देखो इंसान की कैसे टूटती है है ना और जबकि मैं तो तुम्हें मोटिवेट करता रहता हूं लेकिन तुमने मुझे ही तोड़ रखा है आजकल है ना पहले मैं को चाहती थी कि सौ प्लस हुए और होते थे फिर हमारी चाहत हुई अस्सी प्लस बच्चे रहे होते थे फिर सत्तर आए फिर पचास आए फिर चालीस आए फिर तीस आए देखो बीस नहीं आते मतलब क्या पेपर ओपर नहीं हो रहा है तो भूल चुके हो क्या पढ़ना चलो कोई बात नहीं देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि सभी पेड़ फूल हैं सर सभी के सभी पेड़ जो हैं ये क्या है फूल हैं तो ये सभी पेड़ हैं और ये सभी पेड़ क्या होंगे हमारे तो सभी पेड़ जो हुए हैं सर हमारे ये सभी पेड़ हमारे फूल हैं फूल फिर देखो कोई भी फूल पौधा नहीं है तो देखो सर फूल और पौधा को अलग बनाओ क्योंकि कोई भी फूल क्या नहीं है पौधा नहीं है अब देखो जड़ वाली तो बात कही नहीं गई है गलत हो गया फिर बोला कुछ पौधे पेड़ हैं अब बताओ क्या कुछ पौधे पेड़ हैं नहीं सर अलग अलग बातें हैं तो हमारा आंसर होगा ना तो निष्कर्ष वन और ना तो निष्कर्ष दूसरा पालन करता है ठीक है चलिए जी अगले क्वेश्चंस की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट ये रहा बताइएगा यदि ए और सी का स्थान आपस में बदल दिया जाता है बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये स्टार लगा लीजिए और यकीन मानिए इस तरीके के क्वेश्चन ना पेपर में आए हुए हैं एन टीपीसीबी टी वन में आए हुए हैं बच्चे बताए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर यदि ए और सी का स्थान आपस में बदल दिया जाता है बी और डी का स्थान आपस में बदल दिया जाता है ई e और एफ का स्थान आपस में बदल दिया जाता है और वर्णमाला के बाकी अक्षरों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है तो ओ के बाई और पांचवा अक्षर कौन सा होगा ओ के बाई और पांचवा अक्षर कौन सा होगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चे तब आप आंसर दे पाओगे क्वेश्चन ने क्या कहा है यदि ए और सी का स्थान आपस में बदल दिया जाता है है ना ए और सी का स्थान आपस में बदल दिया जाता है बी और डी का स्थान आपस में बदल दिया जाता है मतलब जहां पर ए आता है वहां पर क्या आएगा सी जहां पर बी आता है वहां पर क्या आएगा तो डी मतलब क्वेश्चन ने ये कहा कि देखो ए का स्थान किससे बदल दिया जाए सी से तो यहां पर लिखो सी पी का स्थान किससे बदल दिया जाए तो डी से तो देखो यही तो हमारी अल्फाबेट होती है ए बी सी ये होती है डी ई एफ फिर क्या आता है जी एच आई फिर आता है जे के एल फिर आता है एम एन ओ फिर आता है पी क्यू आर इस तरीके से आता है ना तो क्वेश्चन ने यही कहा कि ए और सी का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो यहां पर कौन आ गया सी और बी का स्थान की जगह पे कौन आ गया डी अब आप सी और डी की जगह पर किसको रखोगे ए और बी को रखोगे किसको रखोगे साथियों ए और बी को फिर बोला देखो ई e और जी का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो अब इसकी जगह पर कौन आ जाएगा तो ये दोनों मतलब यहां पर जी तो यहां पर कौन आएंगे तो अब एच आएंगे और यहां पर कौन आ जाएगा तो ई e और एफ आ जाएगा सिमिलरली यही क्रम आगे भी रखना है तो इनकी जगह पर क्या आ जाएगा साथियों तो के और एल और इनकी जगह पर क्या आएगा आई और जे सिमिलरली अब यही क्रम आगे रखना है तो बताओ इनकी जगह पर क्या आएगा ओ और पी तो यहां लिखो ओ और पी और यहां लिखो एम और एन क्या लिखो एम और एन तो क्वेश्चन ने क्या कहा तो ओ के बाई और पांचवा आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओ okay के बाई और पांचवा इधर होगा और बताओ इधर से पांचवा एक दो तीन चार पांच हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ हमारा आंसर बताओ क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी एफ हो जाएगा बढ़िया क्वेश्चन है चलिए जी गुड इवनिंग कोमल गुड इवनिंग बच्चे बताओ ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया या नहीं जल्दी से बताओ फटाफट से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं क्वेश्चन ने क्या कहा था कि देखो ए की जगह पर सी फिर B की जगह पर D, तो फिर C और D की जगह पर AB, फिर देखो E की जगह पर G, मतलब इन दोनों को आपस में अल्टरनेट लिखना था यहां पर तो ये दोनों शिफ्ट हो गया यहाँ फिर इन दोनों को यहाँ रखा तो ये दोनों चले गए यहाँ पर ठीक है समझ में आ गई बात बच्चे बहुत बढ़िया चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने अब देखिए मैं ये बार बार कह रहा हूं अपने सारे दोस्तों तक इस खबर को पहुंचा दो कि अगर आप जो टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज कहते हो कि सर जी टॉपिक वाइज पढ़ाओ तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एकदम अपर बोले तो हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको इन चारों के चारों चैप्टर्स डिस्कस करूंगा अगर आप साथ देते हैं तो वरना एक दो चैप्टर करा के मैं छोड़ दूंगा कब तो 25 फरवरी शाम सात बजे से लगातार 25 फरवरी शाम सात बजे से लगातार चलो बच्चे आ जाओ ये देखो हमारा कुछ कोर्स है अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पेड़ पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के ऊपर तो आप हमसे कोर्स को बाई कर सकते हैं ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट चल रहा है किसी भी रेफरल के ऊपर ए डी के टेन अप्लाई करने पर बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर साथियों कौन सी वैल्यू आप रखेंगे जल्दी से बता दीजिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सारे अपने दोस्तों को बुला लीजिए जल्दी जल्दी से जिससे उन प, मतलब पढ़ाने में भी मजा आए है ना तो चलिए जल्दी से बुलाएंगे बच्चे और एक बार इस क्वेश्चन का आंसर भी करते रहेंगे बुलाते ही बुलाते थोड़ा बट से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस खाली जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी इस खाली जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी जल्दी से बताइएगा जरा बताए बच्चे इस खाली जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी तो देखो एक बात समझना तो ये जो नंबर है ना ये आपस में जुड़े हुए हैं तो अगर मैं देखूं कि सात और तीन और पांच कितना होता है तो सात तीन दस और पांच कितना हो जाता है साथियों तो पंद्रह हो जाता है इधर देखो पांच और चार नौ नौ और कितना हो जाता है तो नौ और छह हो जाता है कितना हो जाता है पंद्रह तो सिमिलरली आठ और तीन कितना हुआ और को अगर बनाना है तो तुम्हें चार ही तो जोड़ना पड़ेगा ग्यारह को पंद्रह बनाना है तो चार ही तो जोड़ना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ग्यारह को पंद्रह बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा चार अब चाहे किधर से भी ले लो इधर देखो सात प्लस पांच बारह बारह और तीन पंद्रह चार प्लस तीन सात सात प्लस आठ कितना पंद्रह तो छह पांच ग्यारह ग्यारह प्लस चार कितना पंद्रह तुम्हारी मर्जी है तुम जिधर से लेना चाहो उधर से ले लो ये तुम आजाद हो इस क्वेश्चन के लिए चलो आगे बढ़ो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी फिर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी एक मंजिल पर जे है दूसरे मंजिल पर डी एफ है तीसरी मंजिल पर गैप है और चौथी मंजिल पे डी ए क्वेश्चन मार्क बी है अब बताना है आपको कि इस मंजिल पर कौन सी वैल्यू आएगी भाई इस मंजिल पर कौन सी वैल्यू आएगी जल्दी से बताइएगा जरा सोचिए सोचिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए जोर लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं वरना पागल से हो जाएंगे हम ठीक है ना और हमें बच के रखना है क्योंकि अभी तो शादी भी नहीं हुई है है ना शादी के बाद तो वैसे ही आपके दिमाग में थोड़ी सी कमी आ जाएगी देखिएगा जे की पोजिशन दस होती है अब देखिएगा डी की पोजीशन चार और एफ की पोजीशन कितनी छ अब आपको पता है छह और दस कितना हो जाता है चार दस हो जाता है इधर देखिए ये सात प्लस में कितना एक आठ आठ प्लस दो कितना तो दस बताओ क्या मैं होशियार हूं आया ना क्या कहते मैं हो मैं होशियार हूं ना थोड़ा थोड़ा हूं मानते हो तो इधर देखो अगर मानते हो तो मेरी बात मानना तो चार प्लस से कितना हो जाता है पांच पांच और दो कितना हो जाता है सात तो सर सात में अब तीन जोड़ना होगा और तीन की पोजीशन क्या होती है तो सी होती है तीन की पोजीशन क्या होती है तो सी होती है आंसर हो गया, ए। आंसर हो हो गया गया ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ठीक है सर कैसे ऐप ले सकते हैं बच्चे गूगल प्ले स्टोर पर जाके लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए चलिए बहुत शानदार ग्रेट तो एक बार सेशन को सारे लोग लाइक भी कर दीजिए ये अंगूठा दे दो मुझे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ चलो बताओ नीचे एक ही, ही घन की घुमाई गई दो स्थितियां दर्शाई गई हैं तो इसको बताना है कि इस इस ये वाला जो है इसके ओपोजिट पर क्या आएगा इसके ये जो डॉट है ये जो गोला है डार्क सर्कल है डार्क सर्कल है इसके ओपोजिट पर क्या आएगा आपको ये बताना है जल्दी से बताइए से बताएं बच्चे फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए जल्दी से बताइएगा <coughs> चलिए और टाइम वाइम से सो जाए करो वरना तुम्हें केयर वेयर करने वाली कहेगी वो बेबी डार्क सर्कल हो गया है तुम्हारा ये देखना चरा ये इतना डार्क सर्कल टाइम से नहीं सोते क्या दुनिया वाले क्या कहेंगे मतलब यार कितना लोग वो करते हैं आपसे चलिए जी देखिए अब आपको बताना है इसका ऑपोजिट और आपको पता है सर जी दोनों में कॉमन यही है इन दोनों के दोनों डाइसों में कॉमन कौन सा है सर तो यही कॉमन है और आपको मैंने एक बात सिखाया है कि जो नंबर कॉमन होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है जो नंबर कॉमन होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है सर जी तो जो डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है जो नंबर कॉमन होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है तो जो डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है तो बताओ ऑप्शन आओ ऑप्शन आओ ये वाला दिखाई दे रहा है तो कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा ये देखो इस तरीके से चिन्ह दिखाई दे रहा है कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा तो सर जी ये डाइस में नहीं है तो इसका ओपोजिट क्या होगा सर तो ये वाला इसका ओपोजिट क्या होगा सर जी तो ये वाला समझ में आ गई बात क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर कॉमन होता है उसका ओपोजिट क्या होता है तो जो डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है अपनी प्यारी सी आंखों से आगे आ जाओ चलो बताओ सभी लड़कियां सुंदर हैं अरे यार कैसी बात आ गई लड़कियों की तो चांदी आ गई ओ भाई, भाई साहब क्वेश्चन में क्या कहा कि सभी लड़कियां सुंदर हैं और एक्स सुंदर है एक्स सुंदर ये तुम्हारी एक्स नहीं सुंदर होती तो तुम छोड़ते नालायक थी चली गई दूसरी आई तुम्हारे पास फिर ये भी एक वाई हो जाएगी फिर छोड़ दोगे फिर डब्ल्यू ले आओगे मतलब तुम्हारी जिंदगी में पता नहीं एक्स वाई जेड एम सैन सब आ जाना है तो आपने क्वेश्चन ने क्या कहा कि सभी लड़कियां कौन है तो सभी लड़कियां सुंदर हैं फिर बोला एक्स सुंदर है इसका डायग्राम बनाकर बताना है एक्स एक लड़की है क्या यह डायग्राम सही है या सभी सुंदर लोग लड़कियां हैं डायग्राम डायग्राम सही है जल्दी से बताओ बच्चे चलो जी बनाओ इसका फटाफट फड़ से जल्दी से बताओ किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आंसर भी आने लगे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो पहली लाइन क्या बोला कि सभी लड़कियां सुंदर हैं चलो जी बता देते हैं कि सभी लड़कियां क्या है? तो हैं तो सुंदर हैं ये सभी लड़कियां हैं और ये सभी की सभी लड़कियां हमारी क्या हो गई तो सभी की सभी लड़कियां सुंदर हो गई सुंदर फिर बोला सुंदर है अब भाई सुंदर में कौन है तो सुंदर में इधर देखो एक लड़की है बताना जरा एक्स और लड़की का रिश्ता है नहीं गलत करो सभी सुंदर लोग लड़कियां हैं क्या सभी सुंदर लड़कियां हैं अब बताओ क्या सभी सुंदर लड़कियां हैं नहीं सर कुछ सुंदर लड़कियां हैं तो कुछ स्मार्ट से लड़के ही तो हैं मैं नहीं हूं मतलब तुम्हारे में से दो चार हैं है ना? तो हमारा ये दोनों के दोनों के क्या हो जाएंगे गलत मतलब ना तो निष्कर्ष और ना ही निष्कर्ष दूसरा पालन करता है ठीक है ठीक ना ना तो निष्कर्ष और ना तो निष्कर्ष दूसरा पालन करता है समझ में आ गई बात आप लोगों को चलिए जी बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे की ओर बहुत शानदार एक बार सेशन को लाइक करते चलिएगा बताइएगा बच्चे फ्रॉड और लंबे मतलब चिल्ड्रेन चाइल्ड फ्रॉड का मतलब क्या होता है एडल्ट एडल्ट और लंबे का तो मतलब आपको पता है टॉल इसका सही वेन डायग्राम कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे आप एंगेजमेंट हो गया किसका एंगेजमेंट हो गया हा? क्यों खुशबू शादीवादी करने का इरादा है क्या इंगेजमेंट कर लिया तुमने बुलाया भी नहीं यार बताओ मतलब तो तो यार आजकल के बच्चे ना इज्जत करना तो भूल ही गए हैं कम से कम शादी में बुला करके मिठाई उठाई तो खिला दिया करो यार बताओ समझ ही नहीं आता तुम क्या चाहते हो बताइए जल्दी से चलिए जी बहुत बढ़िया अच्छा खुशबू कॉन्ग्रेचुलेन खुशबू खुशबू के को मतलब लड़का मिल गया है ना लड़कों को लड़की ढूंढी जाती है ना तो और जवान दोनों अलग अलग है अब देखो लेकिन एडल्ट और लंबे में कैसा रिलेशन होगा सम का क्योंकि कुछ एडल्ट क्या होते हैं टॉल लंबे और कुछ टॉल क्या होते हैं एडल्ट वैसे ही बच्चे और लंबे में भी कैसा रिलेशन होगा सम का क्योंकि कुछ बच्चे लंबे होते हैं और कुछ लंबे बच्चे होते हैं तो दो सम एक डायग्राम ऑप्शन नंबर डी दो सम एक नो का डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जल्दी से बताइएगा एक्स ने वाई से कहा ओ माई गॉड एक्स ने वाई से कहा मेरा पति मुझे कार से हरसन शॉपिंग मॉल ले जाएगा बड़ा अच्छा पति है यार तुम में से तो सब चाहेंगे ऐसे ही पति तो मिले जो शॉपिंग कराए है ना कि एक्स ने वाई से क्या कहा ये कहा कि मेरा पति मुझे हर्डसन शॉपिंग कराने मॉल ले जाएगा क्योंकि मेरा हाथ चलाने लायक स्वस्थ हालत में नहीं है मतलब उसके हाथ में कुछ हो गया है चोट सी लग गई है मैं आपको एक क्वेश्चन भेजी थी आंसर नहीं बताया आप कहा भेजा था बच्चे एक बार फिर से भेज देना ठीक है अभी मैं देख लूंगा चलिए बताइए जल्दी से तो आपसे बोला ये ये ना ऑप्शन गलत है ऑप्शन पे मत जाना ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चंस का उसने लिख दिया है क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक्स ने वाई से कहा कि मेरा पति मुझे कार से हरसन शॉपिंग कराने मॉल ले जाएगा क्योंकि मेरा हाथ क्या है चलाने लायक स्वस्थ नहीं है मेरे हाथ में चोट लगा है तो ये जो स्टेटमेंट है ये कई सारी बातें आपको दे रहा है पहली बात तो ये दे रहा है कि एक्स ने वाई से कहा कि मेरा पति मतलब यह हुआ सर कि जो ये एक्स है ये एक विवाहित है सर ये जो एक्स है ये क्या है ये एक विवाहित है और ये विवाहित क्या है तो एक महिला है है ना तभी तो आप कह रहे हो कि मेरा पति मुझे कार से शॉपिंग ले जाएगा। दूसरा पॉइंट यह आ रहा है कि उसका पति उसको घुमाने ले जाएगा क्यों ले जाएगा क्योंकि वो हाथ से अस्वस्थ है मतलब वो ड्राइव करना जानती है लेकिन उसके हाथ में चोट लगी हुई है इसलिए वो गाड़ी चला नहीं सकती है तो ये कंक्लूजन निकालना है पहले अपने माइंड में कि किस किस तरीके की भावना उत्पन्न हो रही है यहां पर तो उत्पन्न ये हुई सर कि एक्स पैदल चलकर हट शॉपिंग मॉल नहीं जाएगी बिल्कुल नहीं जाएगी भाई बड़े घर की लड़की है ऐसे कैसे फिर देखो एक्स विवाहित है तो बिल्कुल मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्स कौन है तो विवाहित है अच्छा तो बिल्कुल नहीं जाएगी तो ये सही बात है ना फिर देखो वाई विवाहित है देखो ये गड़बड़ कर रहा है ये गड़बड़ कर रहा है क्योंकि वाई कुछ नहीं कहा है कि वाई जो है, वो या नहीं है तो ये गलत है ये गलत बात बोल दिया इसने। फिर देखो, सर क्योंकि वो अस्वस्थ होने के कारण उसका पति ले जा रहा है तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ क्या आंसर होगा बच्चे फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ बताओ बच्चे समझ में आया या नहीं अब समझ में आया माधुरी या अब भी नहीं आया ठीक है तो आपने क्या समझा कि इस क्वेश्चन में एक्स जो है वो एक मैरिड थी एक महिला थी खूबसूरत सी जिसको गाड़ी चलाने कार चलाना आता है है ना लेकिन उसने कार की जगह मतलब वो होता है ना स्कूटी जब लड़कियां चलाती हैं तो ब्रेक बाद में उनका पहले हाथ वाला ब्रेक नहीं है उनके लिए ब्रेक उनका पैर है दोनों पैर रोड पे आ जाता है और खड़ी हो जाती है ओ भाई मतलब तो मैं तो यार सच में अगर देख लिया मैंने अगर रोड पे खड़े होते मतलब खड़े होकर या फिर मैं जा रहा हूं अगर कोई लड़की गाड़ी चला रही है या औरत या आंटी कोई तो मैं तो बहुत दूर हो जाता हूं उनसे कि भाई पहले इनको निकलने दो क्योंकि वो है पापा की परी कहां से उड़ जाएंगी कुछ पता नहीं और अपने साथ दो तीन को और उड़ा के ले जाएंगी इसलिए भाई दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने ये रहा जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन एक कहा यदि नीचे दिए गए समीकरण में चिन्ह हो प्लस और माइनस तथा संख्याओं नाइन और सिक्स को ठीक है क्वेश्चन ने यह कहा है कि प्लस की जगह पर माइनस और नाइन की जगह पर अगर सिक्स को रख दिया जाए तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा अगर प्लस की जगह पर माइनस प्लस की जगह पर क्या तो प्लस की जगह पर माइनस और नाइन की जगह पर यदि सिक्स को रख दिया जाए तो इनमें से कौन सा इक्वेशन एकदम सटीक बैठेगा तो इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ नाइन और सिक्स तो सिक्स की जगह पर नाइन रखना है और प्लस की जगह पर माइनस रखना है तो माइनस की जगह पर प्लस रखो और नाइन की जगह पर सिक्स और प्लस की जगह पर माइनस का चार सॉल्व करके देखो एक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है सर गलत करो इधर देखो और छह तो है ही नहीं गलत कर दो इधर देखो छह और नौ तो यहां पर नौ लिखो यहां पर प्लस लिखो यहां पर छ लिखो यहां पर माइनस यहां पर सात नौ छह पंद्रह नहीं आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया नहीं आएगा बच्चे हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी देखो समझना 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 जरा सिक्स यहाँ लिखोगे बोलो हाँ यहाँ माइनस लिखोगे यहाँ नौ लिखोगे बोलो हाँ लिख देंगे फिर प्लस का लिखोगे और प्लस का क्या लिख दोगे चार लिख दोगे चार लिख दोगे मानते हो मेरी बात तो इधर देखना में में से नौ गया माइनस का जोड़ोगे तो एक ही तो आएगा सही हूं हूं ना मैं मैं सही कहते हो चलो जी अगर हूं मैं सही तो आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि वृत्त ए बी और सी क्रम स गायकों नर्तकों और अभिनेताओं को दर्शाता है मतलब जो बच्चे ये ए जो है ना जो ये ए है ये कौन है जो ए है ये कौन है गायक है लो तुम्हारा काम आसान करके देता हूं तुम्हें ये देखो ए कौन है गायक है इधर देखो बी कौन है बच्चे तो बी नर्तक है बोलो 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 बी कौन है बच्चे तो बी नर्तक है नर्तक फिर देखो सी कौन है तो अभिनेता है अभिनेता चलो क्वेश्चन में पढ़ो और आंसर दो क्वेश्चन ने तुमसे क्या पूछा क्वेश्चन ने पूछा कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो गायक और नर्तक दोनों हैं परंतु अभिनेता नहीं है मतलब इसके बाहर वाले बंदे चाहिए मतलब इस लाल के बाहर चाहिए ये खून खराबा नहीं चाहता है अपने साथ इस लाल के बाहर चाहिए जरा बता दो जी हेलो मैम कैसे हो आप चलो जी जल्दी से बताओ चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कि जल्दी से बताएंगे बच्चे क्वेश्चन ने क्या कहा कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो गायक और नर्तक दोनों हैं जो गायक और नर्तक दोनों हैं परंतु वो अभिनेता नहीं है तो इससे कोई रिश्ते नाते नहीं है भाई जो हीरो है ना वो अपने लिए हमें उससे मतलब नहीं है तो बताओ जरा गायक और नर्तक दोनों हैं और इतने कितने बंदे हैं तो सिर्फ यही तो है पंद्रह सिर्फ यही तो है पंद्रह बस खत्म खत्म आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ एम टू मोटिवेशन हंड्रेड फिफ्टी वाला बच्चे पढ़ा देंगे बच्चे पढ़ा देंगे आगे बढ़ो ये देखो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो क्योंकि रोज हमारी क्लासेज होती है तो तुम्हारे लिए ही फायदा होगा ये ठीक है ना अगर आप प्लस कोर्स की तरफ जाते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मौका मिलता है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस आपको मिल सकती है आप अनलिमिटेड क्यूजेस दे सकते हैं बच्चे कई सारे फायदे हैं ये याद रख लीजिएगा अगर आपका मन है अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने का मतलब पढ़ाने का क्या पढ़ाने का तो मेरा मन है और आपको है मन अगर पढ़ने का तो याद रखिएगा 25 फरवरी शाम सात बजे बॉबी सर की क्लास की टाइमिंग में होगी मेरी क्लास और आपको उस क्लास में आना है ढेर मात्रा में जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं कि तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है जल्दी से बताए बच्चे तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है उसी अलग की पहचान करनी है एक बार सेशन को सारे लोग मिलकर के लाइक कर दीजिए और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा फटाफट से एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए तो देखिए सर जी समझिएगा सर जी ये एम की वैल्यू तेरह होती है आई की पोजिशन नाइन होती है के की पोजिशन इलेवन होती है सी की पोजिशन थ्री होती है अरे वाह क्या बात है इधर देखो सर एम का ऑपोजिट एन होता है आई का ऑपोजिट एच नहीं जी के का ऑपोजिट पी सी का ऑपोजिट एक्स तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी हो गया क्यों बी हुआ आपको समझ में आ रहा है चलिए जी सनी कुमार कहते हैं कि सर आपकी क्लास में कुछ समझ ना आता कोई बात नहीं सनी कई सारे टीचर हैं आप उसमें चले जाओ ना जहां आता है वहां चले जाओ अपना टाइम यहाँ पे क्यों खराब कर रहे हो जिसको आता है वही तो पढ़ेगा है बताओ मैं तो आपको जबरदस्ती कहता ही नहीं ठीक है ना कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं हो सकता है मैं बेकार हूं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ले आऊंगा मैं ठीक है ना तो आप अपना टाइम यहाँ पे मत खराब करो बिल्कुल भी क्योंकि पेपर के लिए टाइम बहुत कम है और आपको सीखना बहुत ज्यादा है तो जहां भी समझ में आ रहा है जिस भी क्लास में समझ में आ रहा है आप वहां पे चले जाओ ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताओ आपसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी बच्चे जल्दी से बता दीजिए बड़ा बड़ से बता दीजिए बच्चे और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार सारे लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए कम से कम पचास के पार तो अपने भाइयों को बुला लो कम से कम फिफ्टी प्लस तो कर दो आज की क्लास को यार कम से कम क्योंकि तीन दिन हो गए ये पचास का आंकड़ा देखे हुए एकदम दुख होता है अंदर चलो बच्चे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बट से बताओ और सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है लॉजिक क्या है कि इनको एक बार मल्टीप्लाई किया अगर मल्टीप्लाई करोगे तो छह दोना कितना आ जाएगा तो छह दोना कितना आ जाएगा बारह आ जाएगा और एक बार इनको मैं माइनस करा रहा हूँ एक बार मैं इनको माइनस करा रहा हूँ छह में से दो गया तो कितना चार चार अब बताओ बारह और चार कितना हुआ सोलह हुआ ना इधर देखना जरा तीन में अगर हम पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा तीन में पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह और जब अपन तीन में पांच को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दो दो अब देखो पंद्रह और दो कितना हो गया सत्रह समझ रहे हो ना एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस तो इधर बताना जरा छह इंटू चार करोगे तो कितना मिलेगा साथियों चौबीस छः इंटू चार करोगे तो कितना मिलेगा चौबीस और छह प्लस चार करोगे तो कितना मिलेगा दस यही तो किया है एक बार पांच में से तीन माइनस किया तो दो मल्टीप्लाई किया तो पंद्रह अब बताओ छह में से चार माइनस करोगे तो दो हो जाएगा और चौबीस और दो कितना छब्बीस 24 और दो कितना बच्चे छब्बीस 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 कोई बात नहीं आपको आ रहा है तो आप पढ़ो जिनको नहीं आ रहा है मैं उनके लिए कह रहा हूं अब ऐसे ही हुआ कल मतलब यार बच्चे ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं अब मुझे तो कतई ही नहीं समझ में आता मैंने इंस्टाग्राम पे या नहीं व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे किसी को लिंक शेयर किया किसी स्टूडेंट को कि कल मैंने वैसे बहुत लोगों को लिंक शेयर किया था तीस चालीस लोगों को जो हमारे खास मुझे लगता है कि हाँ ये हैं जो पढ़ते नहीं है आ नहीं रहे हैं आजकल क्लास में उनको उनको मैंने किया था सच में तो उसमें से एक का मैसेज क्या आता है कोई नहीं आएगा बिल्कुल ऐसे ही, कोई नहीं आएगा मैंने कहा कोई बात नहीं भाई थैंक यू सो मच मेरा ये रिप्लाई था फिर उधर से क्या रिप्लाई आता है फिर उस बंदे का रिप्लाई आया ऐसा नहीं है कि उसने अब उससे कौन भिड़े? अब आप बताओ आप तो छोटे छोटे हो आप तो जोश में आकर कुछ भी बोल दो लेकिन अब हम आपके जैसे ही हो जाएं अगर हम आप पे गुस्सा करने लगे तो आप में और हम में फर्क क्या रह जाएगा कोई फर्क नहीं रह जाएगा ना तो वही फिर मैंने उससे फिर उसका मैसेज आता है कि सर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप ऑल्टरनेट आते हो हमने कहा यार हद है, है? चलिए बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर या आप बुरा मान गए आप डीमोटिवेट कर देते हो अबे मैं कैसे डीमोटिवेट कर देता हूं मैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं जिससे तुम नए नए तरीके से सीख के जाओ यार और तुम इसको अगर डीमोटिवेटेड समझ रहे हो तो गलत हो गया ना क्या कह रहे ऑफलाइन क्लास कभी करिए अनअकैडमी पर मैं सरियां हूं मतलब मैं समझा नहीं क्या लिखना चाह रहे हो आप चलिए जी देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा बाघ साक और मछली सर ये आसान है, ये जो है, ये क्या है? एक मछली है और बाघ अलग हो जाएगा तो डायग्राम कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर बी डायग्राम क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी ठीक है आगे बढ़िए नेक्स्ट बताइएगा यदि किसी कूट भाषा में स्कर्ट को इस तरीके से लिखा जाता है यदि किसी कूट भाषा में स्कर्ट को इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे तो बताओ ब्लाउज को किस तरीके से लिखा जाएगा जल्दी से बताएं बच्चे अच्छा जी बहुत बढ़िया सही है सही है आंसर करके बताएं बच्चे जल्दी से अभी ये कौन आ गए भाई साइलेंट गर्ल सर सुना आप मेरे लिए भाभी लेने गए कह थे कहा भाभी मार्केट में मिल रही है क्या भाई पकड़ के लाना है क्या हाँ बताना जरा क्यों तुम्हारी भाभी को पकड़ के लाना है क्या कहीं घूम रही है टहल रही है खो गई है बताओ फिर पकड़ के ले आऊ मैं चलिए जी अच्छा अच्छा आप उस दिन क्लास किए थे फ्री का ऑनलाइन क्लास मस्थान अकेडमी पर बच्चे तो देखो टीचर हर जगह अच्छा ही पढ़ाता है ठीक है ना अब यार ये ऑनलाइन हमारे लिए बदा ही नहीं है वैसे हम सच बताए तो चलो जी देखो एस की अगर बात कर रहा है तो एस को एम कर रहा तो बताओ इसमें क्या कोड किया गया होगा देखो एस के आई आर टी स्कर्ट का कोड क्या है बच्चे एम ई सी एल एन -E देखो ये उन्नीस पर ये ग्यारह पर ये नौ पर ये अठारह पर और ये किस पर बीस पर इधर देखो ये तेरह पर ये पांच पर ये तीन पर ये बारह पर और ये चौदह पर पता ना उन्नीस से तेरह हुआ माइनस सब में माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स होते जा रहे हैं ना तो बी में माइनस का छे करोगे तो बी आए इसको हटाओ इधर देखो थर्ड क्या है आई एमओ चलो जी पंद्रह में से पांच पंद्रह में से छह गया तो कितना नौ पे आई आएगा इसको हटाओ इसको हटाओ ये ठीक है फिर देखो इक्कीस में से छह को माइनस करोगे तो कितना आएगा इक्कीस में से छह को माइनस करोगे तो पंद्रह आएगा पंद्रह पर क्या आता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे यदि आई जे का मामा के का पुत्र एम का इकलौता भाई एल का पिता और एन का भतीजा है झूमते रहो इसमें चलो जी जल्दी से बता बच्चे अब क्लास कल होगी बच्चे ना कल बिंग कल क्लास होगी एक बजे दो बजे तीन बजे इन्हीं की टाइमिंग में होगी कोई एक सॉरी सर बुरा लगा, नहीं नहीं, मेरे को किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता ठीक है ना चलिए जल्दी से बताएं बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे सेशन को एक बार सारे लोग मिलकर लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा यदि आई जे का मामा क्वेश्चन ने क्या कहा यदि जो है वो जे का मामा है ठीक है अब देखो आई कौन है मामा आई कौन है मामा और किसका मामा है तो जे का मामा है तो जे का आई मामा हो गया इनकी मम्मी होगी और मम्मी का भाई आई हो गया फिर देखो के का पुत्र ये आई किसका पुत्र है तो के का कौन हो गया पुत्र हो गया एम का इकलौता भाई मतलब जो इसकी बहन है ये कौन है साथी ये एम का इकलौता भाई फिर देखो एल का पिता ये किसका पिता है बच्चे ये एल का पिता है और एन का भतीजा है और ये आई जो है ये किसका भतीजा है तो एन का भतीजा है एन का तो आपसे बोला एम का जे से क्या संबंध है तो भाई जाहिर सी बात है इसकी कौन हो गई जाहिर सी बात है इसकी कौन हो गई तो माँ हो गई मम्मी हो गई ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्योंकि साफ साफ बोला है कि आई जे का मामा है तो ये आई जे का मामा तब होगा जब ये इसकी कौन होगी माँ का भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ अच्छा क्वेश्चन था ये बताइएगा जो रिलेशन अगर पहले का रिलेशन अगर हम देखें दूसरे से है तो बताओ इसका रिलेशन किससे होगा अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है तो आपको बताना है इस थर्ड का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताइएगा फटाफट से फटाफट से बताइएगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए एप्लीकेशन पर होगा बच्चे विंग देखो शेड्यूल करूंगा क्लास आप देख लेना है ना अभी कुछ कंफर्म नहीं मैं बता रहा हूँ एक दो तीन मतलब इन्हीं टाइमिंग में से कोई एक टाइमिंग होगी क्योंकि इसी टाइम लेता हूं मैं क्लास और फिर शाम को एक क्लास चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताए जल्दी से बताइए जल्दी से चलिए जी किसी का आंसर नहीं आया बताओ 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 सैतालीस जीरो सात को तीन सौ छत्तीस कैसे बनाया जाएगा तो सर अगर हम इनको देखें तो डिवाइड करके ही बनाया जाएगा डिवाइड करेंगे तो दस से डिवाइड अगर करेंगे तो चार सौ सत्तर ग्यारह से अगर चौदह से डिवाइड करें तो कितना मिल जाएगा तो सर इसको इससे चौदह से डिवाइड कर दो तो चौदह ती बयालीस और ये हो जाएगा कितना पाँच जीरो बयालीस आठ चौदह से चौरासी ठीक है तीन सौ छत्तीस तो अगर इसको भी अपन चौदह से ही डिवाइड कर दें अगर अपन इसको भी चौदह से डिवाइड कर दें तो कितनी बार में जाएगा एक ये हो गया कितना आठ पांच बार में मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 185 अच्छा क्वेश्चन था कि इनको क्या किया बच्चे इनको क्या किया 14 से डिवाइड इनको क्या किया 14 से डिवाइड तो हमारा आंसर कितना आ गया 185 क्लियर हो गई बात चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी क्लास के सामने ये आ रहा है अब देखो हर एक संडे को सुबह के 10 बजे एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर रैंक वन लाते हो तो हंड्रेड परसेंट प्लस फ्री मिलता है रैंक और ट्वेंटी फाइव तो तक ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिलता है अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल की तैयारी तो जुड़ सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज से एवरी सैटरडे और मंडे टू फ्राइडे रात के आठ बजे चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कि तीन में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक अलग है तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है सर आपको पता है राजकोट सर आपको पता है अहमदाबाद सर पता है आपको सूरत सर आपको पता है गुजरात हाँ मुझे एक बात पता है कि ये हमारा जो है ये स्टेट है ये राज्य है सर जी ये क्या है ये स्टेट है ये राज्य है जरा जल्दी से बताओ और बाकी सब सिटी है गुजरात का जो कैपिटल है वो क्या है जल्दी से बताना जरा गुजरात का कैपिटल क्या है बच्चे जल्दी से बताओ फटाफट से गुजरात का कैपिटल क्या है जल्दी से बताओ इसी बात पे एक बार जल्दी से बताओ जल्दी से गुजरात का गुजरात का कैपिटल क्या है बच्चे जल्दी से बताइए हाँ पता ही आपको गुजरात की राजधानी बताएं जरा गुजरात का कैपिटल बताए बच्चे चलिए बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे ने गांधीनगर ठीक है वेरी गुड यहां के सीएम कौन है प्रेजिडेंट टाइम में भाई यहां के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में ये भी बताओगे क्या जल्दी बता दो चलो आगे बढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यहाँ के सीएम कौन है अभी चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अगला क्वेश्चन तुम्हारे नजरों के सामने है चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा किस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा बच्चे अन अकेडमी पे होगी अन अकेडमी पे बिंग बताया तो आपको चलिए जी यहाँ याद रखिएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है ना और इसके जो अभी सीएम है वो कौन है तो भूपेंद्र भाई पटेल है कब इलेक्शन हुआ था यहाँ पे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से और यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है तो बीजेपी की गवर्नमेंट है चलिए जल्दी बताइए बच्चे आगे की ओर नीम सिंह आपने बहुत ढूंढा यहीं पर पाकिस्तान भाग गया कौन पाकिस्तान भाग गया कमेंट देख तो रहा हूं रेनू अच्छा सीएम पाकिस्तान भाग गया सुधर जाओ सुधर इधर देखो इधर देखो सर जी यहाँ पर रिलेशन जो है ना इसका रिलेशन इससे दिया गया है तो अब इसका रिलेशन आगे आने वाले से होगा क्यों होगा क्योंकि देखो दो हुआ एक हुआ तीन हुआ इधर देखो पांच हुआ चार हुआ और कितना हुआ छह हुआ क्या लॉजिक है दो से पांच दो से पांच प्लस का तीन एक से चार प्लस का तीन तीन से छह प्लस का तीन तो यहां भी पांच में प्लस का तीन करोगे तो आठ आएगा और आठ पर क्या आता है तो एच आता है सर जी 4 प्लस तीन करोगे तो सात आएगा और सात पर क्या होता है बोलो बोलो तो सात पर जी होता है फिर देखो 6 और तीन, 9 पर क्या होगा आई होगा तो आंसर हो गया एच जी आई ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया एच जी आई ऑप्शन नंबर क्या तो बी इज राइट ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बताइएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में रखा जाए ठीक है जी जो ए से जेड तक है उसको जेड से ए तक रखना है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में रखा जाए तो ओ के दाई ओर बारहवा अक्षर कौन सा होगा हाँ बिल्कुल सही बताया माधुरी आपने बिल्कुल सही वेरी गुड गुड इवनिंग आरती गुड इवनिंग आप लोग आते नहीं हो यार क्या हो गया नाराज हो जा चल रहे हो क्या एक बार सेशन को लाइक कर दो सारे लोग मिल करके फटाफट बड़ से क्लास को लाइक कर दो जल्दी से यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में रखा जाए तो ओ के दाई और बारहवा अक्षर कौन सा होगा अब उल्टे क्रम का मतलब यह है कि जो ए बी सी डी है कुछ इस तरीके से ए बी सी डी ई ये हो गया एफ जी एच ये हो गया बच्चे आई जे के फिर देखो एल एम एन यहां पर ओ तब क्या बोला तो ओ के दाई और बारहवा तो इसके इधर बाराए नंबर को काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह आंसर क्या हो गया तो सी आंसर क्या हो गया बच्चे तो सी खत्म काम बी गलत है बी गलत है बी गलत है अच्छा अच्छा नेम सिंह हाँ बच्चे वहां मैं नहीं मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था नवंबर में ही है ना वहां पे मैंने नवंबर में छोड़ दिया था दस नवंबर को लास्ट क्लास ली थी मैंने वहां चलिए तो आप लोगों ने क्या समझा कि ओ के दाई और बारह उल्टे क्रम में आओ और जब राइट में लेना है तो ओ से बाद में लिखने की जरूरत है ही नहीं सीधे सीधे काउंट करो आंसर हो गया ठीक है खुशबू सिंह आपका भी कमेंट देख रहा हूं मैं बताइए बच्चे जल्दी से यदि किसी कूट भाषा में मैन को नाइन से कोड किया जाता है वोमेन को ट्वेंटी फाइव से कोड किया जाता है तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रेन को किस तरीके से कोड किया जाएगा तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रेन को किस तरीके से कोड किया जाएगा जल्दी से बताइए फटाफट से बताइए बच्चे एक बार सेशन को लाइक तो कर दीजिए बच्चे एक बार क्लास को लाइक वाइक भी कर दीजिए थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा चलिए बताइए जल्दी से इस से इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा मैन को अगर नाइन से कोट किया जाता है को ट्वेंटी फाइव से कोड किया जाता है तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रेन को किस तरीके से कोड किया जाएगा सी एच आई एल डी आर -E चिल्ड्रेन को बताएं चलिए बहुत बढ़िया देखिए जी मैन की अगर मैं बात करूं तो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफरेटर कितने हैं तो तीन मैं कह दूंगा तीन का स्क्वायर नौ होता है तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे इधर देखिएगा इधर तो टोटल नंबर ऑफ ऑफरेटर कितना होता है पांच अगर मैं कह दूंगा पांच का स्क्वायर पच्चीस होता है तो भी आप गलत नहीं कहेंगे तो इसी तरीके से चिल्ड्रन में देखेंगे तो चार चार आठ और ये कितना नौ तो सर जी जब सबका स्क्वायर कर रहे हो तो नौ का भी स्क्वायर कर दो ना अरे ये तो गलत हो गया जी फिर तो आठ लेटर है क्या देखो यहां पर चार ये हुआ और चार ये हुआ आठ तो आठ का डबल कर दोगे तो चौंसठ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का डबल कर दोगे तो चौसठ आंसर हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही रहा जल्दी से बताएं बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बड़ से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा यदि होटल को इस तरीके से कोड किया जाता है तो ऑनर को किससे कोड किया जाएगा जल्दी से बताओ बच्चे यदि होटल को अगर इस तरीके से कोड किया जाता है तो ऑनर को किस तरीके से कोड किया जाएगा जल्दी से फटाफट 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 बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को और आपको इसको जल्दी से सॉल्व कर देना एच ओ टी एल होटल होटल को किससे कोड किया गया है तो सी फिर किया गया है जे फिर ओ फिर जेड और फिर जी चलो जी पोजिशन लिखेंगे बिना सोचे समझे आठ पंद्रह बीस पांच और कितना तो बारह इधर देखो इधर लिखेंगे तो तीन इधर लिखेंगे तो दस इधर लिखेंगे पंद्रह इधर लिखेंगे छब्बीस और इधर लिखेंगे कितना सात सर बड़ा आसान है देखो आठ से तीन हुआ माइनस का तो पांच पंद्रह से दस हुआ पंद्रह से दस हुआ फिर से माइनस का पांच इधर देखो क्या हुआ माइनस का पांच क्या हुआ माइनस का पांच क्या हुआ माइनस का पांच खत्म काम सारे लेटर्स में माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव की लॉजिक लगानी है तो देखो जब यहां पर सब कुछ जो है इसको कट करो जे को क्या तो नौ तो तो बचेगा नौ तो देखो आई कहां पर है भाई तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट सुदेश इतने दिनों से कहां थे पहले तो ये बताओ हाँ तो कितने बजे तक क्लास चलेगी कोमल अभी तो चलेगी ना अभी तो तेईस क्वेश्चन है यार कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो करके जाओ एक दिन में सुदेश इतने दिनों से कहा थे पहले तो तुम्हें ये बताओ जल्दी से और आरती आप भी कहा थी भाई दो दिन चलिए जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर एटीट्यूड गर्ल आप कल कहा थी वाह तुम भी बीच बीच में गायब हो जाते हो चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर तीन में किसी ने किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है तो आपको उसी अलग की पहचान करनी है कि अलग कौन सा है बच्चे अलग की पहचान करनी है सेना न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका चलिए जी सेना न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका तो सर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए ही सही है क्योंकि न्यायपालिका हो गई हमारी कार्यपालिका हो गई और हमारी विधायिका हो गई ये तीनों के तीनों क्या करते हैं तो कानून बनाते हैं और सेना का जो एक पर्टिकुलर काम होता है वो देश की रक्षा करना होता है ठीक है तो सबसे अलग हमारा कौन है तो सेना ही है चलिए जी सुदेश अच्छा कल तबियत खराब हो गई थी आरती आपकी ठीक है एटीट्यूड कल आपका क्या हो गया था डाटा खत्म हो गया था ठीक है और आपका क्या हो रहा था तो सर में दर्द हो रहा था सर मैं ना होता हूँ सर जी अच्छा सेवा वो तो हमें पता है चलिए जी नेम सिंह बच्चे क्लास तो अभी चलती है रात के नौ बजे बहुत बढ़िया आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला और बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में आप अलार्म लगा लो अभी से ही कि 25 फ़रवरी यूपी मंत्रा रीजनिंग की क्लास सात बजे अभी से चाहो तो अलार्म लगा लो 25 फ़रवरी शाम सात बजे से लगातार ये चार तीन चैप्टर्स को हमें सॉल्व करना है ठीक है ना चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिएगा जरा यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए जरा और 900 पर मंथ के हिसाब से और ये इतनी सारी टीम है हमारी ठीक है इसी के साथ साथ बच्चे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और उन्नत लेखपाल बैच से भी ज्वाइन हो सकते हो आप देखो लोअर पीसीएस 2022 के लिए प्रारंभ बैच से ज्वाइन हो जाओ जिसकी शुरुआत ग्यारह फरवरी से हो रही है आंसर चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का हाँ तो दोनों ही नहीं आती ना आप भी तो नहीं आई थी कल चलो 25 तारीख को बच्चे फ्राइडे है फ्राइडे मतलब तुम्हें यही तभी तो मैं बुला रहा हूं कि तुम्हें कैलेंडर पढ़ लेना तो तुम्हें ना दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे से पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि उस दिन फ्राइडे है है। या क्या सीधे-सीधे तो निकाल सकते थे देखो कैसे निकाल सकते थे? तो देखो, फ़रवरी तो हाँ, तो तो पूछ रहे हो तुम तो अठारह तो से पच्चीस कितने दिन का डिफरेंस है बताओ, दिन का, साथ को साथ से कर दो, कितना है? जीरो का मतलब अगर आज फ्राइडे तो उस दिन भी फ्राइडे अगर रिमाइंडर एक आता तो अगला दिन हो जाता तो फ्राइडे के आगे क्या होता सैटरडे तो यही सिखाऊंगा उस क्लास में अगर आओगे तो चलो बताओ जल्दी से तो देखो भेड़ भेड़ा भेड़ क्या है तो फीमेल है इसका मेल वर्जन कौन है तो भेड़ा है भेड़ा सियार चीखना नहीं जी आपको पता है सियार कैसे बोलता है सियार वो बोलता है वैसे बोलता है हुआ 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 गाय बछड़ा नहीं जी शेर सावक नहीं हिरणी बारा संगा हाँ सर ये ये हिरणी जो है ये कौन है तो ये इसका फीमेल वर्जन है और बारा संगा इसका हस्बैंड है क्या कौन है ये इसका तो पति है मेल है आगे बढ़ो ऑप्शन नंबर डी होगा इधर बताओ पिस्ता को अगर इस तरीके से कोड किया तो आप बताओ एलमांड को किस तरीके से कोड किया जाएगा जल्दी से बताओ बच्चे पिस्ता को यदि इस तरीके से कोड किया तो आपको बताना है एलमंड को किस तरीके से कोड किया जाएगा जल्दी से बड़ा बड़ से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए देखिए सर की पोजीशन कितनी होती है सोलह ये कितने पर होता है पंद्रह पर ये देखो ये होता है नौ पर ये होता है सात पर ये देखो ये होता है उन्नीस पर और ये होता है सोलह पर है ना सोलह पर उन्नीस पर मतलब सोलह से माइनस वन हुआ तो पंद्रह नौ से सात प्लस माइनस दो उन्नीस से सोलह माइनस तीन बीस से बीस से सोलह माइनस चार एक से बाईस मतलब फोर माइनस फाइव का डिफरेंस है तो देखो भाई ए में अगर माइनस का वन करोगे तो जेड ऑप्शन नंबर वन ले लो आगे बढ़ो जेड ले लो ऑप्शन नंबर वन आंसर हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला आपके सामने ये रहा जल्दी से बताएंगे आपको बताना है महिलाओं बच्चों और शिक्षकों के बीच सही डायग्राम कौन सा होगा महिलाओं बच्चों और शिक्षकों के बीच सही डायग्राम कौन सा होगा जल्दी से बताइए महिलाओं बच्चों और शिक्षकों के बीच सही डायग्राम कौन सा होगा तो देखो जी महिला और बच्चे में कैसा रिलेशन होता है सर महिला और बच्चे में तो नो का रिलेशन होता है ना महिला कभी बच्चे नहीं हो सकती और बच्चे कभी महिला नहीं हो सकते बच्चे और शिक्षक में भी कैसा रिलेशन होता है भाई बच्चे और शिक्षक में भी कैसा रिलेशन होगा तो सिर्फ शिक्षक कभी बच्चे नहीं हो सकते और बच्चे कभी शिक्षक नहीं हो सकते अब बताओ महिलाओं और शिक्षक में कैसा रिलेशन होगा तो सम का रिलेशन होगा कि कुछ महिला शिक्षक होती हैं और कुछ शिक्षक महिला होती हैं तो एक सम दो नो का रिलेशन कहाँ है एक सम दो नो का रिलेशन कहा है भाई इसमें तो डायग्राम ही नहीं है यार एक सम दो नो का डायग्राम कैसे बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही डायग्राम बनेगा ये कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही डायग्राम बनेगा ये तो गलत है ना बच्चे ऑल किस में आएगा बताओ ऑल किस में आएगा गलत है ए वाला इस क्वेश्चन का डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि महिला और बच्चे तो नो का रिलेशन होगा आप ये थोड़ी ना कहोगे कि कुछ माँ क्या होती हैं बच्ची होती हैं कुछ बच्चे माँ होती हैं नहीं गलत है फिर देखो बच्चे और शिक्षक में भी डायग्राम नो का ही बनेगा क्योंकि बच्चे शिक्षक नहीं हो सकते और शिक्षक बच्चे नहीं हो सकते नो का वैसे ही महिला और शिक्षक में सम का डायग्राम बनेगा समझ में आया क्या तो इसका जो सही डायग्राम है दोस्तों ये ऑप्शन में ही नहीं है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये वाला ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं ये बताइएगा चलिए जल्दी से बताएं एक बार इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा पहला वाली बात ये कही गई है दूसरी वाली बात यह कही गई है तीसरी वाली बात यह कही गई है और चौथी वाली बात आपसे पूछी गई है बहुत आसान सा ही है तो नजरों से नजरों से ही हो जाना है सारे तो काम तो आप नजरों से ही कर देते हो देखो पांच इंटू चार बीस हो गया बीस प्लस एक कितना हो गया इक्कीस नौ इंटू छ चौवन हो गया चौवन प्लस एक पचपन हो गया आठ सत छप्पन हो गया छप्पन प्लस एक सत्तावन हो गया तो पांच तिया पंद्रह पंद्रह प्लस एक सोलह हो जाएगा ऑप्शन में कहाँ है डी पांच तिया पंद्रह पंद्रह प्लस एक सोलह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़ो बताओ जी आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि निम्नलिखित त्रिभुजों ए बी सी और डी को देखें त्रिभुज ए फुटबॉल को डिनोट करता है ठीक है जी त्रिभुज जो ए है ये किसको डिनोट करता है फुटबॉल को फिर बोलता है त्रिभुज बी बास्केटबॉल को डिनोट करता है चलो जी ये बास्केटबॉल है त्रिभुज सी टेनिस को डिनोट करता है ये जो है ये किसको डिनोट करता है तो ये टेनिस को डिनोट करता है और जो डी है ये वॉलीबॉल वोल को डिनोट करता है तब आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है तब कहा है कितने लोग फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं अच्छा जी कितने लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल तो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं तो इसके बाहर वाले मेंबर को ले लो कितने लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल या बास्केटबॉल तो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं चलो आंसर करो देखो जी सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हो लेकिन टेनिस नहीं खेलते हो तो ये तो छोड़ दो इससे मतलब ही नहीं है तो देखो सबसे पहले फुटबॉल खेलने वाले एक बंदे उसके बाद तीसरा बंदा उसके बाद ये दूसरा बंदा फिर देखो ये सातवां बंदा फिर देखो ये चौथा बंदा जोड़ो जरा तो सात और चार कितना ग्यारह ग्यारह और दो कितना तेरह तेरह तीन सोलह और एक सत्रह हमारे क्वेश्चन का आंसर हो ठीक है ना तो क्वेश्चन के लॉजिक को आप समझिएगा सोलह वाले गलत हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा सत्रह क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा कि कितने लोग फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं है ना तो फुटबॉल वाले और बास्केटबॉल वाले सारे के सारे काउंट होंगे अगर वही लिखा होता कितने लोग केवल फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते कितने लोग ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं तब हमारा आंसर क्या होता तो तीन होता तब हमारा आंसर क्या होता तीन होता कि सिर्फ तीन ऐसे लोग हैं जो केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं दूसरा कोई भी गेम नहीं खेलते लेकिन क्वेश्चन ने अभी ये बोला था कि कितने लोग फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं तो भाई फुटबॉल और बास्केटबॉल के साथ वो वॉलीबॉल खेले कोई फर्क नहीं पड़ता बस टेनिस नहीं खेलने चाहिए सही तो है हमारा आंसर तो सेवेंटीन हो जाएगा आगे बढ़िए बताइएगा खोया का रिलेशन पाया से अब खोया खाने वाला नहीं जो खो गए खो दिया जिससे उसके बाद थैंक सर बाय डाटा खत्म अरे नंबर दे दो रिचार्ज करा दो क्यों जा रही हो चलो बच्चे जल्दी से बताओ अब ऐसे मैंने कह दिया आप सारे के सारे कल से क्या करेंगे कहेंगे एक ग्यारह ग्यारह रुपए वाला रिचार्ज करा दो सर मेरे में है ना सर मेरा डाटा खत्म हो रहा है चलिए जी खोया का रिलेशन किससे है पाया से मतलब खो जाता है कोई तो अगर आप उसको पा लेते हो तो मजा आ जाता है तो बेय बेय का मतलब क्या होता है बच्चे खर्च करना तो खर्च जो कर लिया अगर आप उसको बचा लेंगे तभी तो आपको मजा आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बचत नहीं बचत होगा च होगा चलो आगे बढ़ते हैं देखिए भाई तो ये हमारी फी है चौबीस मंथ की बारह मंथ की सिक्स मंथ की थ्री मंथ की वन मंथ्स की अगर आप मेरा रेफरल कोड ए डी के टेन अप्लाई करते हैं क्या ए डी के टेन अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो फी है इस रेट में मिलने लगेगी टेन परसेंट के डिस्काउंट के बाद अगर आप करना चाहते हैं यूपीपीएससी और बीपीएससी की तैयारी एक साथ तो आप ले सकते हैं कॉम्बो कोर्स आज आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ये रहा बताए आंसर इसका चलिए एक बार से तुमको सारे लोग मिलकर के लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से फटाफट से चलिए कौन सा रिलेशन सही है इसमें बताएं बताइए आंसर बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का कि आप किस तरीके से करेंगे टेलीग्राम आईडी बच्चे रीजनिंग भाई आदर्श सर है आप सर्च कर लीजिए उसमें जुड़ जाइए और वहां पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मुझे हाँ देखिए रीति ने बता दिया चलिए भाग बाकी लोग भाग भाग जाते हैं क्लास से बहुत जल्दी ही चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पलटने की कोशिश करते हैं देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में लॉजिक ये लगाई गई है कि अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो सात इंटू चार कितना होता है अट्ठाईस देखो सात गुणे चार कितना अट्ठाईस अट्ठाइस में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो सत्ताईस हो जाएगा और इसके बटे में ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो कितना हो जाएगा तो चार आ जाएगा जो कि यहां लिखा है इधर देखो छह गुणे एक करेंगे तो कितना हो जाएगा देखना छह गुणे एक करेंगे तो कितना हो जाएगा एक इसमें से एक को अगर हम माइनस करते हैं और अपॉन में वन कर देते हैं तो कितना आ जाता है फाइव आ जाता है सिमिलरली फोर इंटू थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व में माइनस वन करेंगे तो कितना होगा इलेवन और इलेवन अपॉन थ्री करेंगे तो ये आएगा मतलब हम क्या कर रहे हैं हम ए इंटू बी कर रहे हैं माइनस में वन कर रहे हैं और डिवाइड में ये वाली वैल्यू कर रहे हैं और डिवाइड में ये वाली वैल्यू कर रहे हैं तो यहां भी यही कर दो ना ए इंटू बी कर दो माइनस में वन कर दो और डिवाइड में ये वाली वैल्यू कर दो बी हमारा आंसर हो जाएगा ए बी माइनस वन अपॉन बी ए बी माइनस वन अपॉन बी समझ में आ गई बात बच्चे क्लियर है आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं बताओ आपसे बोला कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपसे बोला कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी जल्दी से बताओ फटाफट से बताओ छोटा सा क्वेश्चन है तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा आपसे बताओ जी जल्दी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी बोलो बताओ फटाफट चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लॉजिक है अगर अपन इन तीनों के तीनों नंबरों को जोड़ दें तो देखो छह प्लस तीन कितना होता है नौ नौ प्लस अट्ठारह कितना होता है सत्ताईस होता है सत्ताईस में अगर, अगर अपन नौ से डिवाइड कर दे, इस नौ से तो कितना मिल जाएगा तीन इधर देखो सत्रह प्लस चार कितना हो जाएगा इक्कीस इक्कीस प्लस तीन कितना हो जाएगा तो चौबीस चौबीस अब चौबीस में इस आठ को अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो फिर से तीन है ना तो सिमिलरली पंद्रह प्लस तेरह कितना हो जाता है अट्ठाईस अट्ठाईस और पांच कितना हो जाता है तैतीस अब बताओ ना सबको डिवाइड करने पर तीन आ रहा है तो यहां पर ग्यारह रखना पड़ेगा तभी तो डिवाइड करने पर तीन आएगा ग्यारह रखना पड़ेगा तभी तो डिवाइड करने पर तीन आएगा तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेवन गलत है सेवन बिल्कुल गलत है आप देखो इनको जोड़ा हमने अठारह और तीन कितना हुआ इक्कीस इक्कीस और छह सत्ताईस सत्ताईस को नौ से डिवाइड किया तो तीन हुआ सत्रह और चार कितना इक्कीस इक्कीस और तीन कितना चौबीस चौबीस को आठ से डिवाइड किया तो तीन हुआ तो पंद्रह और तेरह कितना अट्ठाईस अट्ठाईस और पांच तैतीस तैतीस को किससे डिवाइड करोगे ग्यारह से तैतीस को किससे डिवाइड करोगे ग्यारह से तो ग्यारह तीन तैतीस हमारा आंसर हो गया खत्म ठीक है बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं बताओ ये क्या है ठीक है तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है क्या है तो एच डी एफ सी एस बी आई जल्दी से बताओ बताएं इस क्वेश्चन का आंसर थर्टी थ्री क्वेश्चन का आंसर बताए फटाफट से चलिए देखिए सर ये जो एस डी एफ सी है सर ये आई सी आई सी आई है सर ये एस बी आई है ये सारे के सारे आर बी आई के अंग हैं सर और आर बी आई एक अलग है है ना ये सारे के सारे आर बी आई के अंदर आते हैं लेकिन एक अलग है बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे फिर से पूछा कि कौन सी वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे पूछा कि कौन सी वैल्यू आएगी बच्चे जल्दी से बताओ बताओ जी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे पूछा कि कौन सी वैल्यू आएगी बताइए फटाफट देखिए सर अगर हम सात में दो से मल्टीप्लाई कर दें तो सात दोना कितना होता है चौदह इधर देखिए छह प्लस पांच ग्यारह ग्यारह और तीन कितना हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा चौदह चौदह का सम चौदह हो गया इधर देखिएगा पांच इंटू दो करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच दोना कितना हो गया तो दस ये बताइए चार और तीन सात सात और तीन कितना हो जाता है तो ये भी हो गया दस तो दस के बराबर दस हो गया तो अब देखना जरा सात और दो कितना हुआ नौ नौ और तीन कितना बारह अब बताओ चार तीन में किससे मल्टीप्लाई करोगे जो बारह आएगा तो चार से ही तो मल्टीप्लाई करोगे तो बारह आएगा तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए चार से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बारह आएगा ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ो बताओ फिर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स जल्दी से बताओ बता भाई बताओ जल्दी से छह इंटू छ किया तो कितना आया छत्तीस आठ इंटू चार किया तो कितना आया बत्तीस तो सात इंटू दो करेंगे तो कितना आएगा चौदह चौदह का एक आ गया ऑप्शन नंबर बी इतना टाइम लोगे इतने छोटे से क्वेश्चन अच्छा आप सबको जोड़ करके डिवाइड किए हो जो सर्कल के हर में कर लो अगर आंसर ऑप्शन में है तो सही है चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन तो नंबर थर्टी सेवन बताइए तीन पाँच नौ पंद्रह तेईस तैंतीस पैंतालीस उनसठ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा बताइए आंसर फटाफट से इस क्वेश्चन का देखिए सर डिफरेंस लिया जाए तो प्लस दो सर यहाँ देखा जाए प्लस चार प्लस छ प्लस कितना आठ प्लस कितना दस प्लस कितना तेरह प्लस कितना पंद्रह तेरह के बाद पंद्रह आएगा गलत हो गया ये तो यहाँ बारह होगा प्लस बारह प्लस चौदह प्लस सोलह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सेवेंटी फाइव ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है आपको उसी अलग की पहचान करनी बताइए जल्दी से तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है आपको उसी अलग की पहचान करनी है अलग कौन सा है जल्दी से बताएं बड़ा से बताएं बच्चे अलग की पहचान करनी है कि अलग कौन सा है जल्दी बड़ा से बताएं बच्चे ए, डी, अच्छा ये भी गलत हो रहा है बताओ देखो हेलमेट सर में पहनते हो टोपी सर में पहनते हो पगड़ी सर में पहनते हो लेकिन बुरका सर में थोड़ी सा पहनते हो वो पूरे बॉडी के लिए होता है चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू रखोगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू रखोगे जल्दी से बताओ बच्चे नेम सिंह नौ बजे क्लास चलती है नौ बजे जल्दी से बताएं बताइए जल्दी से बच्चे देखो आसान है सबको जोड़ो आपस में छ और तीन कितना होता है नौ. नौ और चार कितना तेरह तेरह और पांच कितना अठारा. चार और सात कितना तीन कितना, कितना? पच्चीस बारह और दस कितना हो गया? बाईस बाईस और तेरह कितना हो गया पच्चीस पच्चीस और पांच कितना हो जाएगा नहीं बारह और दस बाईस बाईस और दस बत्तीस दिन पैंतीस और पांच चालीस ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो चलो अब रखने यहीं तक आज की क्लास को चालीसवा नंबर कर लीजिए जल्दी से बताइए ईट मोती पान हुकुम आप में बताना है इसमें भी तीन में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है तो आपको बताना है कि अलग वाला कौन सा है ईट मोती पान और हुकुम अब आप सोच लोगे सर ये क्या है तो देखो जी आप प्लेइंग कार्ड जो खेलते हो ना जो ताश के पत्ते होते हैं पढ़ाया भी जाता है प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं मैं आपको गलत काम सिखा रहा हूं तो जो उसमें जो होता है उसमें ईट होता है उसमें पान होता है उसमें हुकुम होता है लेकिन उसके अंदर मोती नहीं होती उसके अंदर रानी होती है खेला मैं भी नहीं हूं हाँ मैंने देखा है जरूर पढ़ाया है जरूर प्रोबेबिलिटी में है ना तो आपको याद रखना है उसमें ईट होता है पान होता है हुक्म होता है लेकिन मोती उसके अंदर नहीं होती बच्चे ठीक है चलिए ये याद रखिएगा साथियों बहुत ही उम्मीद है आपसे और ज्यादा नहीं मैं कहता हूं इस क्लास के अंदर अगर आप अगर आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करके सिर्फ डेढ़ सौ प्लस अगर लाइव ला सक ला देते हो ना तो मतलब फिर लगेगा कि हाँ हमने जो मेहनत करी है आपके पीछे या फिर चलो आज तक कुछ भी नहीं करी है मेहनत कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर ये इस दिन मैंने मेहनत करने की ठानी है पच्चीस फरवरी शाम सात बजे से वाकई में ये बहुत ही मेरी उम्मीदों वाली क्लास ठहरेगी तो अगर आप इस क्लास के अंदर डेढ़ प्लस बच्चे अगर लाइव ला देते हो ना तो बस फिर मैं मान लूंगा कि हाँ यार आपको थोड़ी सी मेरे से मोहब्बत है और कोई बकवास नहीं कुछ भी नहीं चलना क्लास में सिर्फ चैप्टर पढ़ना है और वो देख रहे हो आप क्लॉक कैलेंडर डाइस काउंटिंग फिगर ठीक है तो ये सब कुछ आपके लिए नहीं रहती बच्चे आप संडे के लिए नहीं क्योंकि ये शेड्यूल हो चुका है ठीक आगे जो भी मैराथन रखेंगे वो संडे रखेंगे अब इस बात का प्रॉमिस करता हूँ आपसे ठीक है तो अब आप देख लीजिएगा एक बार एक मैंने आपको ये फी डिटेल बताई दी थी एडी के टेन अप्लाई कर दीजिएगा घर बैठे बैठे आप यूपीएससी एंड बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस और करा दिया जाए या छोड़ दिया जाए क्या कहते हो बताइए हाँ जी अच्छा नींद आने लगी है आप लोगों को चलिए ठीक है नींद आने लगी है तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बाय बाय टेक केयर मिलते हैं बच्चे कल की क्लास में वैसे मैं आपके लिए पचास क्वेश्चन तो लेके ही, ही आता हूँ चलिए तो स्पेशल क्लासेस से आप ज्वाइन हुआ कीजिए एप्लीकेशन के ऊपर कीजिएमी लर्निंग ऐप के ऊपर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं यूपी मंत्रा हमारा टेलीग्राम चैनल है साथ ही आप जाते जाते से, 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 से को लाइक कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जिससे आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिले ठीक है हम्म अच्छा जी छुट्टी होने वाली है ट्रेन का डब्बा खाली करे आप ट्रेन में बैठे हो ट्रेन हाँ करा दो आरती में अभी थक गया बच्चे पैर में ना हो रहा दर्द कोई नहीं अब हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो आज की क्लास को अपन लोग यहीं पे रखते हैं मिलते हैं कल की क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल गुड नाइट ऑल ऑफ यू ठीक है रोज रोज़ आया करो यार दोस्तों को बुला दो यार नौ बजे क्लास होती है और पच्चीस फरवरी शाम सात बजे आना नहीं भूल क्योंकि चार चैप्टर पढ़ाना है और आओगे तभी चैप्टर पढ़ाने में मज़ा भी आएगा चलो इसमें तो क्वेश्चन व्स्चन्स करा देते हैं जब चैप्टर्स पढ़ाना होगा तो किसको पढ़ाऊंगा जब आओगे ही नहीं तो है ना खैर मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ आपको अच्छे ढंग से ठीक लेकिन अगर आप आएंगे नहीं तो गड़बड़ है ठीक है ना तो उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ रात के नौ बजे और पच्चीस फ़रवरी अगले फ्राइडे को शाम को सात बजे हमारे इस चैनल से आएंगे जुड़ेंगे जर। जरूर ठीक है तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर यू ऑल गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू